काली साई के पास से एक औरत की डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमली की कमसिन जवानी खत्म हो गई उसकी कहानी। इसी के साथ उसकी हंसी घाट पर गूंजने लग जाती है। अभिमन्यु पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। जैसे ही अभिमन्यु रुकता है, कमरे के अंदर सन्नाटा छा जाता है। कहानी तो खत्म हो गई थी, पर कहानी अपने साथ कई सवाल छोड़कर चली गई थी, जो इस वक्त युग और उसके दोस्तों के मन में चल रहे थे। पर कमली के साथ हुए हादसे ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। जुबान होने के बावजूद सब गूंगे बने बैठे थे। कायर कमरे के अंदर छाई खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, क्या मस्त कहानी थी यार। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था जैसे उस कमली के अंदर यक्षिणी है, क्योंकि उसकी आग बुझी नहीं रही थी। पर बाद में यक्षिणी काले साय के रूप में आई और उसने खुद कमली का गेम बजा दिया। शालिनी वहीं पर थी जो कायर की बातें सुन रही थी। कायर की बातें सुनकर शालिनी को गुस्सा आने लग गया था। शालिनी अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कहती है, ये कहानी नहीं हकीकत है। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, सब शालिनी की तरफ देखने लग जाते हैं। कोई उससे पूछता उससे पहले ही वो मामले को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि आप लोगों ने तो बताया था ना कि टाइपराइटर से आज तक जो भी स्क्रिप्ट मिली है उसके अंदर जो लिखा होता था वो सब सच हुआ था, तो ये कमली की कहानी भी तो सच्ची होगी ना। युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ शालिनी, पर आज तक जो भी स्क्रिप्ट हमें इस टाइपराइटर से मिली थी उसमें मर्दों के शिकार हुए थे, औरतों के नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी हकीकत में घटित हुई होगी। कछुआ युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, पर अगर हकीकत में घटित ही नहीं हुई ये कहानी तो इसे यक्षिणी ने टाइपराइटर पर टाइप क्यों किया। युग एक बात बता, इससे पहले जब पिछली पूर्णिमा पर औरत का शिकार हुआ था उसकी स्क्रिप्ट मिली थी क्या तुझे। युग कुछ याद करते हुए कहता है, नहीं मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। अभिमन्यु फिर युग से पूछता है, तुझे अच्छे से याद है। युग कहता है, हाँ भाई अच्छे से याद है मुझे, इस टाइपराइटर के पास से कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। अभिमन्यु धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, फिर इस बार कैसे स्क्रिप्ट मिल गई, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। इतना कहकर अभिमन्यु फिर सोच में डूब जाता है। वो ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तुमने इस पूरी स्क्रिप्ट में एक बात नोटिस करी। युग तुरंत पूछता है, कैसी बात। कायर जवाब देता है, यक्षिणी ने कमली का शिकार अपने असली रूप में नहीं किया बल्कि काले साय के रूप में किया है। मैं ना कहता था कि यक्षिणी की शक्तियां बढ़ गई हैं और उसने काले साय का रूप ले लिया है, और उसी काले साय के रूप में उसने मुझ पर और बिंदु पर हमला किया था। कायर की बातों ने फिर एक बार अभिमन्यु को सोच में डाल दिया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यक्षिणी की शक्तियां नहीं बढ़ी हैं बल्कि हवस बढ़ी है। उसकी हवस कितनी ज्यादा बढ़ गई है इस कहानी से साफ पता चलता है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मन नहीं मानता कि यक्षिणी ऐसा कर सकती है। वो बहुत अच्छी है, तुम नहीं जानते उसे, मैं यक्षिणी को अच्छे से जानता हूँ। कछुआ तुरंत पलट कर कहता है, युग तू तो चुप ही रह, तू ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुझे लगता है यक्षिणी यामिनी थी। मुझे तो अभी भी डाउट है यामिनी नाम की लड़की कभी थी भी या नहीं, हमने तो आज तक उसे नहीं देखा। मुझे तो लगता है वो बस तेरे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। कछुए की बातें सुनकर युग को गुस्सा आने लग जाता है और वो चिढ़ते हुए कहता है, कछुए ये क्या बोल रहा है तू। कछुआ झट से कहता है, ठीक तो बोल रहा हूँ मैं, चल मैं मान लेता हूँ कि तेरी यामिनी ही यक्षिणी थी, तो तू ही बता दे वो अब तेरे सामने क्यों नहीं आती। वो लौट आई है और तुझसे प्यार भी करती थी, तो इस हिसाब से तो उसे तेरे सामने आना चाहिए था ना। युग खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का कोई जवाब नहीं था। कई बार यही सवाल उसने अपने आप से भी पूछा था, पर खुद उसके पास इस सवाल का कुछ जवाब नहीं था। शालिनी चुपचाप सब अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखते जा रही थी। अपने प्यार को शर्मिंदा होते देख रही थी, पर अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी। कछुआ और युग के बीच का झगड़ा और बढ़े उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों को टोकते हुए कहता है, तुम दोनों शांत रहोगे, यहाँ पर मैं वैसे ही परेशान हूँ, और तुम दोनों हो कि अलग ही टॉपिक को लेकर बैठे हो। यामिनी यक्षिणी थी या नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसने काले साय का रूप क्यों लिया है और वो औरतों के शिकार क्यों कर रही है। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, एकदम सही बात कही अभिमन्यु, तुम्हें पता लगाना ही चाहिए कि आखिर यक्षिणी औरतों का शिकार क्यों कर रही है। इसी बात पर मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ,
तुम सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभिमन्यु शालिनी को मना करते हुए कहता है, नहीं तुम रहने दो शालिनी, कल रात तुम्हारे हाथों का दूध पिया था उसका असर अभी तक है, मेरा सिर अभी भी घूम रहा है। शालिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है। शालिनी का चेहरा उतर जाता है। कायर शालिनी का चेहरा पढ़ते हुए कहता है, तुम नाराज मत हो शालिनी, वो अभिमन्यु ऐसा ही है, जब वो परेशान रहता है तो कुछ भी बोल देता है। मैं चाय बनाकर लाता हूँ, वैसे तुम भी तो थक गई होगी ना, रात से सफाई जो कर रही हो। शालिनी कुछ नहीं कहती, चुप खड़ी रहती है। कायर वहां से चले जाता है। इस तरफ वर्चस्विनी अपने घर में थी और पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी। जिस आईने के सामने वर्चस्विनी तैयार हो रही थी उसके जस्ट बगल में ही एक बेड था जिस पर तारा गहरी नींद में सो रही थी। वर्चस्विनी बड़ी हड़बड़ाहट में लग रही थी। देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन जाने में देरी हो गई थी। वर्चस्विनी जल्दी जल्दी अपने बालों का जूड़ा बांधने में लगी हुई थी। वर्चस्विनी तैयार ही हो रही थी कि तभी तारा सपने में चीखते हुए कहती है, कमली। इतना कहकर तारा हड़बड़ाहट के साथ उठ जाती है। वर्चस्विनी अपना जूड़ा बांधना छोड़ती है और बौखलाहट के साथ तारा के पास पहुंचती है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, क्या हुआ तारा बेटा, आप ठीक तो हो? तारा कुछ जवाब नहीं देती है। वो बहुत घबराई हुई थी। पसीने से उसका पूरा बदन तरबतर हो गया था। तारा की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था जिसे वर्चस्विनी पढ़ लेती है। वर्चस्विनी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटा, मम्मा है ना आपके साथ, फिर आप क्यों डर रहे हो? तारा लगातार डरे जा रही थी। डर के कारण उसके हाथ पैर कांपे जा रहे थे। उसी डर के साथ वो धीरे धीरे कुछ फुसफुसाए जा रही थी। तारा फुसफुसाते हुए कहती है, कमली, कमली, अब कमली। वर्चस्विनी तारा की ये बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, कमली, ये कमली कौन है तारा बेटा? तारा वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहती है, कमली मर गई मम्मा। वर्चस्विनी तारा को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, आपने फिर कोई बुरा सपना देखा तारा बेटा? तारा कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। वर्चस्विनी समझ जाती है कि तारा के डरने की असली वजह क्या थी। वर्चस्विनी तारा से पूछती है, इस बार आपने सपने में क्या देखा तारा बेटा? तारा वर्चस्विनी को वहां से सब कुछ बताती है जब सुदेश कमली को बंगलामुड़ा घाट पर छोड़कर चले गया था और कमली बंगलामुड़ा घाट पर अकेली पड़ गई थी। तारा वर्चस्विनी को डिटो वही सब बताती है जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, उस काले साए का कमली का दिल निकालने तक की कहानी। तारा की बात सुनकर वर्चस्विनी शॉक्ड रह गई थी। उसे अभी भी तारा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटा, ये सिर्फ आपका सपना था और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत आप। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा को अपनी गोद में लेती है और उसका डर कम करने लग जाती है। माँ की गोद होती ही ऐसी है जहाँ पर सारा डर छूमंतर हो जाता है। तारा की दोबारा कब आंख लग जाती है वर्चस्विनी को पता नहीं चलता है। तारा को पुचकारते हुए वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, आई होप ये चार्ली और जाटव को तारा के असली माँ बाप के बारे में कुछ पता चल जाए, कुछ कीजिए महादेव, कुछ राह दिखाइए मुझे। वर्चस्विनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। वर्चस्विनी अपना मोबाइल उठाते हुए कहती है, हेलो, क्या, कहाँ पर? बंगलामुड़ा घाट। ओह माय गॉड, ठीक है मैं इसी वक्त वहाँ पर आ रही हूँ। सारे इलाके को सील कर दो और बॉडी के आसपास किसी को आने मत देना। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन कट कर देती है। वर्चस्विनी घबराते हुए खुद से कहती है, कहीं तारा का सपना फिर से सच तो नहीं हो गया। वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस कमरे में कैटलीन आ जाती है। वर्चस्विनी कैटलीन को देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ कैटलीन तुम आ गई, मुझे फौरन निकलना है, तुम तारा का ख्याल रखना। कैटलीन कहती है, जी मैडम जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, तारा बेबी के पास मैं हूँ। वर्चस्विनी बड़े आराम से तारा का सिर अपनी गोद से नीचे रखती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अभी अपने घर से बाहर निकली ही थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक बूढ़ा नजर आता है। उस बूढ़े ने फटी सी मटमैली सी शॉल ओढ़कर रखी हुई थी और सहारे के लिए अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। ये बूढ़ा और कोई नहीं, यामिनी का बाबा रज्जन था जो तारा को देखने के लिए आया था, ये पता लगाने के लिए कि तारा वही भविष्यवाणी वाली बच्ची है या फिर कोई और। वर्चस्विनी उस बूढ़े को घूरते हुए कड़क अंदाज में कहती है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? रज्जन बहाना बनाते हुए दयनीय आवाज में कहता है, तुमने फकीर को नहीं पहचाना बेटी, फकीर भला किसी के दरवाजे पर क्यों जाता है?
वर्चस्विनी रज्जन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और उसके पहनावे से समझ जाती है कि वो फकीर है। वर्चस्विनी माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना बाबा, भूल हो गई। वर्चस्विनी अपने वॉलेट में से 500 का नोट निकालती है और राजन को देते हुए कहती है, ये लो बाबा। रज्जन मना करते हुए कहता है, ये फकीर नोट का नहीं बेटी, रोटी का भूखा है। कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारी बड़ी दया होगी। वर्चस्विनी को रज्जन पर शक होने लग जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, मैं इसे 500 रुपए दे रही हूँ फिर भी ये मना कर रहा है। आखिर 500 रुपए में किसका पेट नहीं भरता? आखिर चक्कर क्या है, ये फकीर है या फिर कोई और? वर्चस्विनी इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही रज्जन बड़ी विनती करते हुए कहता है, क्या सोच रही हो बेटी, क्या तुम फकीर को रोटी नहीं खिला सकती? बड़ा वक्त हो गया है घर की रोटी खाए हुए, मेरा तो कोई घर ही नहीं, सोचा तुम्हारे घर से ही मांग लो। वर्चस्विनी को जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो रज्जन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती है और कैटलीन को आवाज लगाते हुए कहती है, कैटलीन जरा बाहर आना। कैटलीन वहां पर आते हुए कहती है, जी मैडम जी। वर्चस्विनी कैटलीन को ऑर्डर देते हुए कहती है, कैटलीन बाबा भूखे हैं, इन्हें खाने को दे दो। जैसे ही रज्जन वर्चस्विनी के मुंह से बाबा शब्द सुनता है, उसे यामिनी की याद आने लग जाती है। उसके मन में जितना कपट था वर्चस्विनी के लिए सारा निकल जाता है, पर परिस्थिति को देखते हुए अपने एहसास को अपने मन में ही रखता है। वर्चस्विनी जिप्सी चालू करती है और वहां से निकल जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग अपने कमरे में अकेला था। जब से उसकी कछुए के साथ एक दो बातें हुई थी, वो नीचे हॉल में नहीं गया था अपने दोस्तों से बातें करने। उसका मन बहुत उदास था, जो उसके चेहरे को देखकर ही समझ में आ रहा था। युग मायूसी के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर शालिनी आ जाती है। युग का चेहरा देखते से ही शालिनी समझ जाती है कि युग के मन में क्या चल रहा है। शालिनी युग के बगल में जाकर बैठ जाती है। युग कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो वैसे ही गुमसुम उदास बैठा रहता है। शालिनी नर्म लहजे से कहती है, आप अभी भी कछुए ने जो बातें कही उसके बारे में सोच रहे हैं ना? युग तुरंत शालिनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता शालिनी? शालिनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? युग जी मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, वापस से गुमसुम हो जाता है। युग और शालिनी के बीच खामोशी छा जाती है। कुछ देर तक यही सिलसिला जारी रहता है। कमरे के अंदर इतनी खामोशी थी कि युग और शालिनी दोनों ही एक दूसरे के दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहे थे। युग अपने सामने की दीवार को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी यही लगता है शालिनी कि यामिनी सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में थी, ऐसी कोई लड़की नहीं थी? शालिनी युग को समझाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं युग जी? आपने जितने प्यार से यामिनी के बारे में मुझे बताया है, उसके चरित्र को तराशा है, उससे हो ही नहीं सकता कि वो बस आपकी इमेजिनेशन हो। कोई भी किसी के बारे में इतना तभी बता सकता है जब वो उससे मिला हो। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि यामिनी सच में थी और वही यक्षिणी थी। युग नम आंखों से कहता है, अगर यामिनी सच में थी तो अब जब वो लौट आई है तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? युग की आंखों में नमी देखकर शालिनी भावुक हो जाती है, उसकी आंखें खुद नम हो जाती हैं। युग फिर पूछता है, बोलो शालिनी, यामिनी मेरे सामने क्यों नहीं आती? शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं युग जी को कैसे बताऊं कि उनकी यामिनी उनके सामने ही है, शालिनी के अंदर। युग फिर बोलता है, बोलो शालिनी, वो मेरे सामने क्यों नहीं आती? शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, क्या मैं युग जी को बता दूं कि मैं ही उनकी यामिनी हूँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, क्या मैं युग जी को बता दूं कि मैं ही उनकी यामिनी हूँ? शालिनी को चुप बैठा देखकर युग शालिनी को हिलाते हुए कहता है, बोलो शालिनी, तुम चुप क्यों हो? आखिर यामिनी मेरे सामने क्यों नहीं आती? युग की आंखों में नमी देखकर शालिनी पूरी तरह भावुक हो गई थी। एक पल के लिए तो उसने चाहा कि वो युग को सारी सच्चाई बता दे कि वही उसकी यामिनी है जो इस वक्त उसके सामने है। पर यामिनी जानती थी कि इस वक्त वो युग को कुछ नहीं बता सकती थी, वरना जिस इरादे से वो ग्रेवयार्ड कोठी में आई थी उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। यामिनी अपने सारे एहसास जज्बात को अपने दिल में ही छुपा लेती है। शालिनी अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, आपकी यामिनी जरूर आपके सामने आएगी, देखना युग जी आप। युग गुस्से के साथ कहता है, पर कब शालिनी?
शालिनी खोए हुए अंदाज में जवाब देती है, जब सही वक्त आएगा। युग तुरंत पलट कर पूछता है, और वो सही वक्त कब आएगा शालिनी? शालिनी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, जल्द आएगा युग जी, आप बस सही वक्त आने का इंतजार कीजिए। कभी कभी जीवन में हमें कुछ तभी मिलता है जब मिलना लिखा रहता है। वक्त और किस्मत के पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ग्रेवयार्ड कोठी के एक हिस्से में युग और शालिनी एक दूसरे के दर्द का सहारा बन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, कायर और कछुआ हॉल में बैठे हुए थे। अभिमन्यु के हाथ में वो स्क्रिप्ट थी जो उसे टाइपराइटर के पास से मिली थी। वो अभी भी उस स्क्रिप्ट के पेज धीरे धीरे पलटाते हुए उसे बड़े गौर से पढ़ रहा था, और कायर और कछुआ आपस में बातें करने में लगे हुए थे। कायर कछुए से कहता है, कछुए तुझे युग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी यामिनी के बारे में। कछुआ तुरंत कहता है, तो किस तरह बोलता तू ही पता, देख नहीं रहा था वो युग कैसे यामिनी के गुणगान कर रहा था, जब देखो यामिनी यामिनी करते रहता है। कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर फिर भी यार उसे बुरा लगा है इस बात का, तभी तो देख वो अभी तक नीचे नहीं आया, जब से ऊपर ही है। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, बुरा लगे तो लगने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कछुए का ऐसा बर्ताव कायर को बहुत अजीब लगता है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, कछुए तुझे नहीं लगता जब से तू लौट कर आया है बहुत गुस्सा करने लग गया है? मुझे तो तू पहले वाला कछुआ लगता ही नहीं, ऐसा लगता है मेरे दोस्त के वेश में कोई और बैठा हुआ है। कायर की बात सुनकर कछुआ घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। कछुआ कायर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं नहीं बदला हूँ कायर, मैं वही पुराना वाला कछुआ हूँ जो आज भी तुम लोगों की फिक्र करता है। तू जानता है ना यक्षिणी कितनी डेंजरस है, पर वो युग को देख यक्षिणी की बुराई सुन ही नहीं सकता, ऐसा लगता है जैसे उससे मोहब्बत करके बैठा है। अभिमन्यु स्क्रिप्ट से नजर हटाकर कायर और कछुए की बातों में दखल देते हुए कहता है, कछुआ ठीक कहता है, यक्षिणी बहुत डेंजरस है और युग के लिए कुछ ज्यादा ही, हमें कुछ करना पड़ेगा यक्षिणी का। कायर परेशान होकर कहता है, पर क्या करें यार? कछुआ अपने हाथ आपस में मलते हुए आक्रोश में आते हुए कहता है, हमें उस यक्षिणी को मार देना चाहिए। अभिमन्यु कछुए पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहता है, और वो कैसे करेंगे, कैसे मारेंगे यक्षिणी को? कछुए गुस्से के साथ लय में बोल पड़ता है, उस यक्षिणी को क्रकण। कछुआ इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो खुद अपना मुंह बंद कर लेता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने अपने दोस्तों के सामने क्रकण हथियार का जिक्र किया तो अभिमन्यु जरूर उससे पूछेगा कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता, और फिर एक एक करके अभिमन्यु खुद उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवा लेगा। कायर मुंह बनाते हुए कछुए से कहता है, ये क्रकण क्रकण क्या बोल रहा था? तो कछुआ अपनी नजरें चुराने लग जाता है और अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है। कायर कछुए को टोकते हुए कहता है, अबे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ये क्रकण क्या है, ककड़ी की कोई नई पैदाइश है क्या? कछुआ कुछ बहाना बना पाता उससे पहले ही बिंदु वहाँ पर भागी भागी चली आती है। हॉल के अंदर प्रवेश करते वो हाँफने लग जाती है, उसे देखने से ही साफ समझ आ रहा था कि वो दौड़ते हुए आई थी। बिंदु बहुत घबराई हुई लग रही थी। बिंदु को देखकर कायर, कछुआ और अभिमन्यु फौरन अपनी जगह पर से उठकर बिंदु के पास जाने लग जाते हैं। कायर घबराहट के साथ कहता है, क्या हुआ बिंदु, तुम इतनी घबराई हुई क्यों, सब ठीक तो है? बिंदु कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी, वो बस हाँफे जा रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही कायर की आवाजें सुनकर वहां पर युग और शालिनी भी आ जाते हैं। बिंदु को घबराया हुआ देखकर युग भी हैरान हो गया था। शालिनी तुरंत टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाती है और बिंदु को देते हुए कहती है, ये लो बिंदु पानी पी लो पहले, तुम्हें अच्छा लगेगा। शालिनी ने ये बात इतने प्यार से बोली थी कि बिंदु एकदम दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही शालिनी थी जिसने उससे पहली बार मिलने पर बड़े ही रूड तरीके से बात करी थी। बिंदु कहती कुछ नहीं, चुपचाप पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद बिंदु कायर पर बिगड़ते हुए कहती है, कायर तुम्हारा हमेशा काम के वक्त फोन लगता क्यों नहीं है? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, यार इस बात पर इतना क्यों चिढ़ रही हो, मुझे क्या पता क्यों नहीं लगता, और मेरा नहीं लगा तो और किसी को लगा लेती, यहाँ इतने सारे लोग हैं, युग अभिमन्यु में से किसी एक को लगा लेती। बिंदु अपनी सफाई पेश करते हुए कहती है, मैंने सबका फोन ट्राई किया पर किसी का नहीं लगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या किसी का फोन नहीं लगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? युग बीच में दखल देते हुए कहता है, नेटवर्क इशू हुआ होगा आई थिंक। तुम लोग ये सब छोड़ो ना, और बिंदु तुम मुद्दे पर आओ, ये बताओ हुआ क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों, सब ठीक तो है ना? बिंदु घबराते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है युग, गजब हो गया। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, गजब हो गया, क्या गजब हो गया? बिंदु कुछ जवाब देती है उससे पहले ही अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, क्या बंगला मुड़ा घाट पर फिर किसी की लाश मिली है?
अभिमन्यु की बात सुनकर बिंदु इतनी चकित हो जाती है कि कुछ बोल नहीं पाती है, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिससे अभिमन्यु समझ जाता है कि उसने एकदम सही बात बोली थी। अभिमन्यु बड़ी चालाकी के साथ आगे कहता है, और इस बार किसी मर्द की नहीं बल्कि एक औरत की लाश मिली है, एम आई राइट? बिंदु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला अभिमन्यु? अभिमन्यु अपने हाथ के पेज दिखाते हुए कहता है, क्योंकि यक्षिणी के शिकार की स्क्रिप्ट हमें पहले ही मिल चुकी है। अब तुम बस इतना बताओ कि जिस औरत की लाश मिली है उसका नाम क्या था? अभिमन्यु के ये सवाल पूछते ही सब लोग अपनी नजरें बिंदु पर गड़ा देते हैं। बिंदु एक लंबी आह भरते हुए कहती है, कमली की, वही कमली जो मेहंदी पठार की सबसे मशहूर वैश्या है। जैसे ही बिंदु ये बात बोलती है, वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं सिवाय शालिनी के। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ओ माय गॉड, ये तो गजब ही हो गया। इसका मतलब इस बार फिर यक्षिणी ने किसी औरत का शिकार कर दिया। मैं ना कहता था यक्षिणी बहुत बुरी है, उसकी हवस बढ़ती जा रही है, और ये उसी का एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है। आगे पता नहीं वो क्या क्या करेगी, किस किस को अपना शिकार बनाएगी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब इस बार यक्षिणी ने स्क्रिप्ट में जो कहानी लिखी है वो कहानी तो असली है ही, साथ में कैरेक्टर के नाम भी असली लिखे हैं। कायर बिना सोचे समझे ही बोल पड़ता है, वो तो असली थे ही, मैंने तो तुझे कल रात में ही बता दिया था जब तूने कहा था कि मेहंदी पठार में कमली नाम की मशहूर तवायफ रहती है। आखिर कौन नहीं जानता कमली को? जो कमली को नहीं जानता उसे मेघालय में रहने का ही कोई हक नहीं। जैसे कायर की बात खत्म होती है, बिंदु गुस्से से उबल जाती है और चीखती हुई कायर से पूछती है, बड़े चर्चे हैं कमली के? कायर, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नजदीक से जानते हो कमली को। कायर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिंदु, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तो कभी कमली को देखा तक नहीं, बस चर्चे सुने हैं। वो भी कल रात में ही पता चला जब इस कछुए ने उसके बारे में बताया। क्यों कछुए? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु ये ठीक कह रहा है, मैंने ही बताया था, ये तो बड़ा शरीफ है। बिंदु पलटकर कुछ कहती नहीं, बस कायर को गुस्से के साथ घूरती रहती है। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, अगर कमली का कैरेक्टर असली है तो इसका मतलब कमली के साथ जो आदमी था, क्या नाम था उसका? इतना कहकर अभिमन्यु स्क्रिप्ट के पेज को पलटाने वाला था कि उससे पहले ही शालिनी झट से बोल पड़ती है, सुदेश, सुदेश नाम था उस आदमी का जो अपनी पत्नी होने के बावजूद किसी और के साथ रंगरलियां बना रहा था, उसे धोखा दे रहा था। शालिनी ने रंगरलिया शब्द बहुत ही गुस्से के साथ कहा था, जैसे उसे इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि सुदेश अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। अभिमन्यु शालिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, उस आदमी का नाम सुदेश ही था जिसकी एक बेटी भी थी जो शादी की उम्र की है। कमली तो मर गई जो मेहंदी पठार में रहती थी, पर ये सुदेश कौन है जो किश्नोई नदी के आसपास रहता है? क्योंकि कहानी में साफ जिक्र है कि वो नदी के पास ही आया था, वहां से उसका घर नजदीक पड़ता था। कछुआ सोचते हुए कहता है, अपने मेहंदी पठार और रोंकामुझा गांव में तो गिनती के बस 4-5 ही सुदेश रहते हैं, और उनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी बेटी शादी के लायक हो गई है। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, कौन है वो 3 सुदेश? कछुआ अपनी उंगली पर तीनों सुदेश को गिनाते हुए कहता है, पहला वो दूध वाला सुदेश, दूसरा वो जिसकी पंचर की दुकान है, और तीसरे युग के मामा। इतना कहकर कछुआ चुप हो जाता है। जैसे ही कछुआ युग के मामा बोलता है, कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। युग गुस्से के साथ कहता है, तो तुम लोग अब क्या कहना चाहते हो? यही कि कमली के साथ कल रात मेरे मामा थे और वो रजनी मामी को धोखा दे रहे हैं? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, नहीं युग, हम लोगों के कहने का ये मतलब नहीं था, हम तो बस अंदाजा लगा रहे थे बात करके। युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तुम लोग ना रहने ही दो, जब देखो मेरे अपनों के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हो। कभी कहते हो मेरे पापा ने टाइपराइटर में हीरा रखा था, तो कभी कहते हो मेरे मामा वैश्या के साथ थे, मुझे ना तुम जैसे दोस्तों से बातें ही नहीं करनी। इतना कहकर युग नाराज होकर गुस्से गुस्से में वापस अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है, और उसके पीछे ही शालिनी भी जाने लग जाती है। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप युग को वहां से जाते हुए देखते रहता है। कायर कहता है, इसे हुआ क्या है? सुबह से ही बच्चों की तरह बात बात पर नाराज हो रहा है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, हुआ कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है वो चाहता है शालिनी उसे बार बार मनाए, इसलिए नाराज हो रहा है। देखा नहीं जैसे ही युग नाराज हुआ कैसे शालिनी उसके पीछे पीछे गई? मुझे तो लगता है इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए ताकि अकेले में कुछ वक्त बिता सके। कोई कुछ नहीं कहता है, सब शांत रहते हैं। इस तरफ बंगलामुड़ा घाट पर पुलिस का जमावड़ा था, आसपास के गांव के लोग भी जमा हो गए थे जिन्हें कुछ पुलिस वाले दूर करते जा रहे थे। पुलिस ने डेथ स्पॉट को चारों तरफ से कवर कर लिया था, कमली के नग्न बदन पर सफेद कफन चढ़ा दिया था, साथ ही कुछ पुलिस वाले सबूत की छानबीन करने में लगे हुए थे।
वर्चस्विनी जस्ट अभी अभी वहां पर पहुंची थी। जैसे ही वर्चस्विनी वहां पर पहुंचती है, एक हट्टा कट्टा लड़का जिसकी उम्र करीब 28 साल होगी, वर्चस्विनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस लड़के ने अपने माथे पर लंबा सा चंदन का टीका लगाया हुआ था और उसकी बैच पर ए चैटर्जी लिखा हुआ था। देखकर ही पता चलता था कि वो लड़का स्मार्ट तो था ही, साथ में इंटेलिजेंट भी। वो लड़का वर्चस्विनी को सल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैम। वर्चस्विनी सल्यूट का जवाब देते हुए कहती है, जय हिंद। वर्चस्विनी उस लड़के के बारे में याद करते हुए कहती है, तुम वही हो ना जिसने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है, क्या नाम बताया था तुमने अपना? वो लड़का एकदम कड़क आवाज में कहता है, अरबिंदो चैटर्जी मैम। वर्चस्विनी हामी भरती है, हाँ चैटर्जी। तो चैटर्जी कुछ अपडेट मिला आपको? पता चला मरने वाली औरत कौन है? चैटर्जी जवाब देता है, जी मैम पता चला है कि मरने वाली औरत का नाम कमली था। जैसे ही चैटर्जी कमली का नाम अपनी जुबान पर लेता है, वर्चस्विनी हक्की बक्की रह जाती है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? कमली? चैटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैम कमली। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा भी तो आज सुबह कमली का ही नाम लेकर उठी थी, इसका मतलब तारा का सपना फिर से सच हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा भी तो आज सुबह कमली का ही नाम लेकर उठी थी, इसका मतलब तारा का सपना फिर सच हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वर्चस्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर चैटर्जी समझ जाता है कि वर्चस्विनी जरूर कुछ सोच रही थी। चैटर्जी तुरंत पूछ बैठता है, आप कुछ सोच रही हैं मैम? वर्चस्विनी पहले बस नहीं में अपना सिर हिलाती है, पर फिर कहती है, नहीं कुछ नहीं चैटर्जी। चैटर्जी बेबाक बोल पड़ता है, आप कुछ तो सोच रही हैं मैम, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए, पर झूठ मत बोलिए। कहते हैं कि झूठ बोलने से इंसान के गुनाह बढ़ जाते हैं और उन सारे गुनाहों की सजा उन्हें ऊपर मिलती है, ईश्वर के पास। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चैटर्जी तुम ये बकवास करना छोड़ो, चार्ली और जाटव कम थे क्या जो तुम भी आ गए? ये बताओ क्या पता चला तुम्हें इस औरत के बारे में? चैटर्जी तुरंत बुलंद आवाज में जवाब देता है, मैडम जी पता चला है कि कमली एक वैश्या थी जिसका जन्म वैश्या घराने में हुआ था। इसकी माँ भी एक वैश्या थी जिस कारण उसके असली पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कमली की माँ उसे वैश्या नहीं बनाना चाहती थी, पर उसके ही साथ वालों ने उसका विरोध किया। कमली की माँ को कैंसर था जिस कारण वो कमली के बचपन में ही गुजर गई। फिर क्या था, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उन हाथों में घुंघरू पकड़ा दिए गए। कमली को ना चाहते हुए भी वैश्याओं के गुण सीखने पड़े और बड़ी होकर वो मेहंदी पथार की मशहूर वैश्या बनी। इतनी मशहूर कि दूर दूर से उसके ग्राहक उसके पास आते थे। इतना कहकर चैटर्जी चुप हो जाता है। वर्चस्विनी चैटर्जी की तारीफ करते हुए कहती है, तुमने तो कमली की पूरी जन्म कुंडली ही निकाल दी, वेरी स्मार्ट। कुछ पता चला कि कमली यहाँ पर क्या कर रही थी? चैटर्जी झट से कहता है, अब वैश्या भला रात के वक्त सुनसान घाट पर क्या कर सकती है, अपना काम ही कर रही होगी मैम। इतना कहकर चैटर्जी वर्चस्विनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, क्या लाश का दिल गायब है? चैटर्जी हैरानी के साथ कहता है, हाँ पर आपको कैसे पता चला मैम? अभी तक तो मैंने आपको लाश के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि वो हमें किस हालत में मिली थी, ना ही आपने उसे देखा। वर्चस्विनी चैटर्जी के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचने लग जाती है, इसका मतलब कमली के साथ सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा तारा ने मुझे बताया था। चैटर्जी वर्चस्विनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैम आप फिर क्या सोचने लग गई, बताइए ना आपको कैसे पता चला लाश के बारे में? वर्चस्विनी चैटर्जी के सवालों से बचते हुए उसकी बातों को टालते हुए कहती है, चैटर्जी मुझसे सवाल पूछना बंद करो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम मेरे नहीं। चैटर्जी चुप खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। वर्चस्विनी चैटर्जी को ऑर्डर देते हुए कहती है, लाश को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, हो सकता है कुछ पता चल जाए। चैटर्जी हामी भरते हुए कहता है, जी मैम। इतना कहकर चैटर्जी वहां से चला जाता है। वर्चस्विनी अपने हाथ में ग्लव्स पहनती है और आसपास छानबीन करने लग जाती है। उसे कुछ न कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। वर्चस्विनी आसपास छानबीन कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर बैरिकेड्स पर पड़ती है जहां पर कुछ गांव वाले खड़े हुए थे। उन्हीं गांव वालों के साथ कार्तिक पुजारी भी खड़े हुए थे जो महाकाल मंदिर के पुजारी थे, उसी मंदिर के जहां पर वर्चस्विनी एक बार तारा को लेकर गई थी। वर्चस्विनी को कार्तिक पुजारी जाने पहचाने तो लग रहे थे, पर वो ये नहीं पहचान पा रही थी कि इससे पहले उसने कार्तिक पुजारी जी को कहां पर देखा था।
वर्चस्विनी तिरछी नजर से कार्तिक पुजारी को देख ही रही थी कि तभी कार्तिक पुजारी अपने हाथों से इशारा करके वर्चस्विनी को अपने पास बुलाने लग जाते हैं। वर्चस्विनी अपने पीछे देखने लग जाती है पर उसके पीछे कोई नहीं था। वर्चस्विनी कंफर्म हो जाती है कि कार्तिक पुजारी उसे ही बुला रहे हैं। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि पुजारी जी मुझे क्यों बुला रहे हैं, कहीं ये मुझे कमली के बारे में कुछ बताना तो नहीं चाहते। कार्तिक पुजारी लगातार अपने हाथ से इशारा कर रहे थे वर्चस्विनी को अपने पास बुलाने के लिए। वर्चस्विनी सुराग ढूंढना छोड़ती है और बैरिगेट्स के पास पहुंच जाती है। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी को बैरिगेट्स से अंदर बुला लेती है जहां पर सिर्फ पुलिस का आना अलाउड था। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी से पूछती है, आपको कुछ बताना है क्या पुजारी जी? कार्तिक पुजारी जवाब देते हैं, बताना नहीं कुछ पूछना है बेटी। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, पूछना है? क्या पूछना है आपको मुझसे? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वो तुम्हारी बेटी उस दिन जो तुम्हारे साथ मंदिर में आई थी वो कहाँ पर है? कार्तिक पुजारी की बातें सुनकर वर्चस्विनी को याद आ गया था कि उसने इससे पहले कार्तिक पुजारी को कहाँ देखा था। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, शायद आप तारा की बात कर रहे हैं, तारा तो घर पर है, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको मेरी बेटी से क्या मतलब? कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं बल्कि तारा के नाम पर गौर फरमाते हुए खुद से कहते हैं, क्या कहा तारा? किताब के अनुसार उसका यही नाम होना चाहिए था, एकदम सही नाम रखा गया है उसका। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, किताब? कैसी किताब? आप किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं? कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी के सवालों का जवाब देना छोड़ते हैं और अपने अंदर चल रहे सवालों को पूछते हुए कहते हैं, तुम्हारी बेटी का जन्म कब हुआ था? वर्चस्विनी जानबूझकर याद करने का बहाना करती है, मेरी बेटी का जन्म। इतना कहकर वर्चस्विनी याद करने का दिखावा करने लग जाती है ताकि कार्तिक पुजारी को उस पर शक ना हो। कार्तिक पुजारी तुरंत बोल पड़ते हैं, मुझे लगा ही था कि तारा ने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया है और ये बात तुमने खुद साबित कर दी। एक माँ अपने बच्चे का जन्म कभी नहीं भूल सकती, उसे अपने जीवन की अंतिम सांस तक याद रहता है कि उसका शिशु पहली बार कब रोया था। कार्तिक पुजारी की बातें सुनकर वर्चस्विनी हैरत में पड़ जाती है। वो घबरा तो गई थी पर उस घबराहट को अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने दे रही थी। वर्चस्विनी चुपचाप खड़ी रहती है। कार्तिक पुजारी आगे कहते हैं, तारा के दाएं हाथ की हथेली के पीछे सितारे की तरह जो चिन्ह है, क्या वो उसके जन्मजात से है? क्या उसे किसी प्रकार के सपने आए हैं जिसमें उसे पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि क्या होने वाला है या क्या हो चुका है? कार्तिक पुजारी की बातें सुनकर वर्चस्विनी दंग रह गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक पुजारी तारा के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते थे। कार्तिक पुजारी फिर वर्चस्विनी से पूछते हैं, बोलो बेटी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तारा को सपने आते हैं या नहीं। वर्चस्विनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर चैटर्जी आ जाता है और हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मैम कुछ मिला है ऐसा जिससे हम खूनी तक पहुँच सकते हैं। जैसे ही वर्चस्विनी की चैटर्जी पर नजर पड़ती है वो चुप हो जाती है। वर्चस्विनी चैटर्जी से रूबरू होते हुए कहती है, ऐसा क्या मिल गया तुमको चैटर्जी? चैटर्जी जवाब देता है, आप खुद चलकर देख लीजिए मैम। चैटर्जी को तारा के बारे में कुछ पता ना चले इसलिए वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी की तरफ देखती तक नहीं है और चैटर्जी के साथ लाश की तरफ जाने लग जाती है। वर्चस्विनी ने भले ही कुछ ना कहा हो पर वर्चस्विनी के चेहरे के हाव भाव देखकर कार्तिक पुजारी जरूर समझ गए थे कि वर्चस्विनी क्या कहने वाली थी। कार्तिक पुजारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मन पढ़ना जानते हो, जैसे कि उनके पास अदृश्य शक्तियां हो। कार्तिक पुजारी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ वहां से निकलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्चस्विनी से तारा के बारे में पूछने के लिए बस वहां पर आए थे। इस तरफ रोंकमुचा गांव में हवेली के अंदर अमोदिता हॉल में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते अमोदिता यही सोच रही थी कि वो क्या करे। वो बुरी तरह फंस गई थी। एक तरफ वो वंदना को त्रिकोण हवन कुंड के पास ले जाना नहीं चाहती थी तो दूसरी तरफ वो वंदना से वादा कर चुकी थी कि वो जल्द से जल्द उसे त्रिकोण हवन कुंड के पास ले जाएगी। अमोदिता के लिए परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जैसे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अमोदिता यही सब सोचते हुए झाड़ू लगाई रही थी कि तभी वहां पर जानकी आ जाती है। जानकी अमोदिता से झाड़ू लेते हुए कहती है, अमोदिता बेटा तू क्यों झाड़ू लगा रही है? घर की लक्ष्मी को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ला मुझे दे झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। अमोदिता जानकी को मना करते हुए कहती है, बुआ जी घर की असली लक्ष्मी वही होती है जो घर के सारे काम करती हो, और आपकी कमर तो अभी अभी ठीक हुई है ना, और आप हो की लगी मुझसे झाड़ू मांगने, आपको आराम की जरूरत है काम की नहीं। जानकी कहती है, और कितना आराम करूंगी, दिन भर तो आराम करती रहती हूँ मैं। अमोदिता कहती है, अब आपकी आराम करने के ही दिन है, काम करने के नहीं बुआ जी। जानकी हंसते हुए कहती है,
तू नहीं मानने वाली अमोदिता, मुझे पता है तेरी आदत। चल अब मैं जाती हूँ। वैसे मैंने वंदना को दवाइयाँ दे दी हैं, वो अपने कमरे में सो रही है। अगर उसकी नींद खुले और कुछ मांगे तो दे देना उसे। अमोदिता मन ही मन सोचती है, वंदना भाभी मुझसे बस त्रिकोण हवन कुंड का पता मांगने वाली है, जो मैं उन्हें कभी नहीं बताने वाली। पता जानते हुए भी त्रिकोण हवन कुंड के पास ले जाए उन्हें मेरी जूती। जानकी वहां से चली जाती है। अमोदिता वापस से झाड़ू लगाने में मशरूफ हो जाती है। अमोदिता सारा कचरा जमा करके कचरा फेंकने के लिए बाहर जाने लग जाती है। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर कदम रखती है, दरवाजे के साइड से कोई झट से उसका हाथ पकड़कर उसे साइड खींच लेता है और सारा कचरा दरवाजे पर फैल जाता है। किसी ने बड़े ही कसकर अमोदिता की कलाई पकड़ी थी, जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कोई अमोदिता को दरवाजे से खींचते हुए दरवाजे से कुछ दूर ले आया था। एक औरत की आवाज सुनाई देती है, चल मेरे साथ अभी चल। इतना कहकर अमोदिता को कोई दूसरी दिशा की तरफ खींचने लग जाता है, जहां से वो बाहर जा सकती थी। अमोदिता अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, चल मेरे साथ, चल जल्दी। जब अमोदिता अपनी नजरें ऊपर करती है तो देखती है कि उसकी कलाई किसी और ने नहीं बल्कि वंदना ने पकड़ी हुई थी, जो उसे बाहर की तरफ खींचे जा रही थी। वंदना को हवेली के बाहर देखकर अमोदिता हक्की बक्की रह जाती है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, वंदना भाभी आप बाहर कैसे? आप तो दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थी ना? वंदना जवाब देती है, वो जानकी की नजरों में, मैं सौदाइन हूँ और सौदाइनों के लिए किसी को भी चकमा देना बड़ा आसान काम है। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, आप बाहर क्या कर रही हैं? वंदना गुस्से के साथ कहती है, तेरा इंतजार, चल अभी चल तू मेरे साथ। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, चलूं पर कहां? वंदना अमोदिता को घूरते हुए कहती है, त्रिकोण हवन कुंड के पास। मुझे लगा ही था कि तू मुझसे झूठ बोल रही है, और आज मैंने खुद तेरे मुंह से सारा सच सुन लिया है। अमोदिता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया हो, कहती है, मैंने क्या झूठ बोला आपसे? मैं भला अपनी वंदना भाभी से झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसा कौन सा सच सुन लिया आपने, बताइए मुझे भी। वंदना अमोदिता की कलाई मरोड़ते हुए कहती है, अभी जब तूने मन में सोचा था ना कि मैं वंदना भाभी को कभी त्रिकोण हवन कुंड के पास नहीं ले जाने वाली, त्रिकोण हवन कुंड के पास ले जाए उन्हें मेरी जूती, ये सोचते वक्त तू अपनी उंगली क्रॉस करना भूल गई थी। और तू जानती है एक सौदाइन दूसरी सौदाइन के मन की बातें सुन सकती है। अमोदिता चुप बैठती है, वो समझ गई थी कि वो बुरी तरह फंस चुकी थी। वंदना गुस्से के साथ कहती है, मन तो कर रहा है कि तेरा खून पी जाऊं, यहीं पर मार दूं तुझे, पर बचपन से बड़ा लाड किया है ना मैंने तुझे, और जिन्हें वंदना प्यार करती है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए कुछ नहीं कर रही हूं तुझे। इस बार माफ कर रही हूं, पर हर बार नहीं करूंगी। अब जल्दी चल मेरे साथ। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, कहां वंदना भाभी? वंदना तुरंत कहती है, त्रिकोण हवन कुंड के पास, और कहां पर ले जाएगी मुझे? अमोदिता कहती है, हम अभी वहां पर नहीं जा सकते वंदना भाभी, वो बहुत दूर है, जाने आने में ही बहुत देर हो जाएगी, हम फंस जाएंगे। वंदना गुस्से के साथ कहती है, मैं सब जानती हूँ, तू फिर बहाने बना रही है, पर इस बार मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली, तू चल मेरे साथ। अमोदिता वंदना को अपनी बातों पर विश्वास दिलाते हुए कहती है, वंदना भाभी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन कीजिए, जहां पर त्रिकोण हवन कुंड है वो जगह गांव के आखिरी कोने में है। वंदना अभी भी गुस्से से देखती रहती है। अमोदिता वंदना के बाएं हाथ को सीधा करती है और अपना एक हाथ वंदना के हाथ के ऊपर और दूसरा उसके नीचे रखते हुए कहती है, मैं आपको पक्का आज रात में वहां पर ले जाऊंगी वंदना भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक सौदाइन का दूसरे सौदाइन से वादा है, और आप जानती हैं कि सौदाइन कभी अपने वादे नहीं तोड़ती, चाहे अपनी जान दे दे। वंदना का हाथ अमोदिता के दोनों हाथों के बीच में था। वंदना को अमोदिता की बातों पर विश्वास हो जाता है। वंदना अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, वादा किया है भूलना मत, वरना तुझे ये भी अच्छे से पता है जो सौदाइने अपने वादे को पूरा नहीं करती उनके साथ क्या होता है, उन्हें क्या सजा मिलती है। अमोदिता डरते हुए कहती है, हाँ पता है वंदना भाभी, अब मुझे जाने दो। वंदना अमोदिता की कलाई छोड़ देती है। अमोदिता तुरंत वापस दरवाजे के पास जाने लग जाती है। जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे के पास ही रजनी खड़ी हुई थी, जो उसे गुस्से के साथ घूरे जा रही थी। रजनी गुस्से के साथ अमोदिता से कहती है, क्या वादा किया तूने वंदना के साथ? अमोदिता अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन में सोचती है, अब तो मैं गई काम से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अमोदिता अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन में सोचती है, अब तो मैं गई काम से।
रजनी गुस्से से लाल होते हुए कहती है, अरे बोल, चुप क्यों खड़ी है? क्या वादा किया तूने वंदना से? अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, मैंने कुछ वादा नहीं किया। भला मैं वंदना भाभी से क्या वादा करूंगी? लगता है आपके कान आजकल कुछ ज्यादा ही बजने लगे हैं। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, मेरे कान बज सकते हैं पर मेरी नजरें तो मुझे धोखा नहीं दे सकती ना। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि तूने वंदना की हथेली ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे तब पकड़ते हैं जब एक सौदाइनी दूसरी सौदाइनी से वादा करती है। बता क्या वादा किया तूने वंदना से? अमोदिता अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैंने कुछ वादा नहीं किया माँ, वो तो मैं बस ऐसे ही वंदना भाभी का हाथ पकड़े हुए थे। अब मुझे थोड़ी पता था उस तरह हाथ तब पकड़े जाते हैं जब एक सौदाइन दूसरी सौदाइन से वादा करती है। आपने मुझे वादा करना थोड़ी सिखाया है, मेरी गुरु तो आप ही है ना। इतना कहकर अमोदिता रजनी को अपने कंधों से धीरे से धक्का मारते हुए उसे साइड करती है और हवेली के अंदर जाने लग जाती है। रजनी अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन में सोचती है, नालायक लड़की, तू अपने आप को जितना चालाक समझती है उतनी है नहीं। तेरे और वंदना के बीच जो खिचड़ी पक रही है, देखना उसका जल्द पता लगा लूंगी मैं, फिर तेरी खैर नहीं। शाम के 6 बज रहे थे और शालिनी अपने कमरे के अंदर थी। उसके कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। शालिनी खिड़की के पास खड़ी हुई थी जिससे धीमे धीमे हवा के झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे। शालिनी अपने चेहरे पर पड़ती हुई हवाओं को महसूस कर रही थी। अक्सर जीवन में जब हमें कुछ राह नजर नहीं आती तो हम एकांत को चुनते हैं और इस वक्त शालिनी ने भी उसी एकांत को चुना था। शालिनी कल रात उसके साथ हुए हादसे को याद कर रही थी। जब सबके साथ खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आई थी तो उसका अपने ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं था। यक्षिणी का अभिशाप उसी पर हावी होते जा रहा था जिस कारण यामिनी की आत्मा शालिनी के शरीर के अंदर से निकलने लग गई थी। शालिनी अपने बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी और यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे जा रही थी जैसे वो तड़प रही हो। शालिनी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। चादर के ऊपर कई सिलवटें पैदा हो गई थी। शालिनी चीखना चिल्लाना चाहती थी पर वो जानती थी कि यदि वो चीखी तो सब लोग जाग जाएंगे और उसका ये राज खुल जाएगा, इसलिए वो अपने आप पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। शालिनी बिस्तर के ऊपर तड़प ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था। शालिनी बड़ी हिम्मत करके उठकर बैठ जाती है। शालिनी को लग रहा था कि अभी कोई दरवाजा खटखटाएगा पर कोई दरवाजा नहीं खटखटाता है। शालिनी आहिस्ते से अपने बिस्तर पर से उठती है और दरवाजे के पास जाने लग जाती है। जब वो दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि कछुआ रूम नंबर 666 के अपोजिट साइड जा रहा था। शालिनी मन में सोचती है, ये कछुआ इतनी रात को कहाँ जा रहा है। इतना कहकर शालिनी कछुए का पीछा करने लग जाती है। कछुआ उसी फ्लोर के आखिरी कमरे के अंदर घुस जाता है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था जिस कारण शालिनी को क्लियर दिख रहा था कि कमरे के अंदर कछुआ क्या कर रहा था। कछुआ खुद से बातें कर रहा था, साथ में क्रकड़ हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। कछुए की हरकतें देखकर शालिनी दंग रह जाती है। शालिनी मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये कछुआ सौदाया बनकर आया है। मुझे लगा ही था कि ये पहले वाला कछुआ नहीं है। मेरा शक सही निकला। कछुआ क्रकड़ हथियार बनाने में लगा ही हुआ था कि तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है और उसे शालिनी की सिर्फ दो आंखें नजर आती हैं, शालिनी नहीं। आंखें देखकर कछुआ घबरा जाता है और उसके हाथ से क्रकड़ हथियार नीचे छूट जाता है। ये पूरा वही दृश्य था जो पिछली रात कछुए के साथ हुआ था जब उसे लगा था कि दरवाजे पर यक्षिणी खड़ी हुई है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, कौन है? यक्षिणी का अभिशाप शालिनी पर हावी होने के कारण कछुए की आवाज सुनकर वो खुद ब खुद बोल पड़ती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर शालिनी घबराते हुए सोचने लग जाती है, ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। शालिनी वहां से भागने लग जाती है। भागते हुए उसके पैरों की पायल बजने लग जाती है। कछुआ कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, यक्षिणी रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शालिनी अपनी पूरी जान लगाकर भागती है और अपने कमरे के अंदर जाकर वापस से दरवाजा लॉक कर लेती है। जैसे ही शालिनी दरवाजा लॉक करती है वो अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। वर्तमान में शालिनी खिड़की के पास खड़ी हुई थी जिससे ठंडी ठंडी हवा के झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे। शालिनी मन में यामिनी की आवाज में सोचती है, कल रात कछुआ जिस तरह किताब में बार बार देखकर क्रकड़ हथियार बना रहा था और मंत्र पढ़ रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि कछुए ने इससे पहले क्रकड़ हथियार नहीं बनाया और उस रात काली पोशाक वाले आदमी ने मुझ पर क्रकड़ हथियार से वार किया था। इसका मतलब वो काली पोशाक वाला आदमी कछुआ नहीं था, वो कोई और ही था। शालिनी पूरी तरह कन्फर्म होते हुए कहती है, हाँ वो काली पोशाक वाला आदमी कछुआ हो ही नहीं सकता
क्योंकि कछुआ अभी सौदाया बनकर आए हैं, इससे पहले वो सौदाया नहीं था। शालिनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर वो काली पोशाक वाला आदमी कछुआ नहीं है तो क्या वो अभिमन्यु है? इतना कहकर शालिनी एकदम चुप हो जाती है। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, मुझे पूरी तरह पक्का करना पड़ेगा। अभिमन्यु भले ही मुझ पर शक करता हो, उसकी हरकतें मुझे पसंद ना हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मार सकता है। आखिर वो जो कुछ भी करता है अपने दोस्तों के लिए ही तो करता है, खास तौर पर युग बाबू के लिए। अभिमन्यु युग बाबू का सच्चा दोस्त है और अपने सच्चे दोस्त की प्रेमिका को अभिमन्यु नहीं मार सकता। कुछ देर तक शालिनी यही सब सोचती रही, पर तभी न जाने उसके मन में क्या आता है। वो खुद से कहती है, पर मैं अभिमन्यु को इस तरह छोड़ भी नहीं सकती, मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चल पाएगा कि अभिमन्यु ही वो काली पोशाक वाला आदमी है या नहीं। शालिनी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो काली पोशाक वाला आदमी कौन है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिस तरह उसने उस रात मुझे मारा था। उसे भी उसके अपनों से अलग कर दूंगी, जिस तरह उसने मुझे मेरे युग बाबू से अलग किया था। शालिनी अपने आप पर काबू करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसके कंधों पर हाथ रख देता है। शालिनी घबरा जाती है, वो पीछे पलटती, उससे पहले ही उसके पीछे से युग की आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो शालिनी? शालिनी बड़े प्यार से जवाब देती है, बस बैठी हूँ युग जी। युग हंसते हुए कहता है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर वही तो पूछ रहा हूँ मैं, तुम अकेले क्यों बैठी हो और ये खिड़की क्यों खोल कर रखी है? कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो? शालिनी अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, इतने सारे सवाल वो भी एक साथ, अब किस किस का जवाब दूं युग जी मैं आपको? चलिए मुझे छोड़िए और ये बताइए, अब आपका मूड कैसा है? दिखने से तो बढ़िया ही लग रहा है, युग मुंह बनाते हुए कहता है। मेरे मूड को क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शालिनी तुरंत कहती है, आप ही तो अपने दोस्तों की बातों से नाराज होकर ऊपर चले आए थे ना, और अपने आप को कमरे में अकेले बंद कर लिया था, कह रहे थे मुझे अकेला छोड़ दो, तभी तो मैं यहाँ पर आ गई। युग हैरानी के साथ कहता है, मैंने ऐसा कहा? पर कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? युग की बातें सुनकर शालिनी बड़ी हैरान होती है, वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या इन्हें सच में कुछ याद नहीं कि कमरा अंदर से बंद करते वक्त इन्होंने क्या बोला था? युग याद करने लग जाता है कि उसने ऐसा कब कहा था। युग वापस से उदास ना हो जाए इसलिए शालिनी खुद ही बोल पड़ती है, छोड़िए युग जी, बुरी बातों को भूल जाओ, उसी में भलाई होती है, चलिए आप नीचे चलिए, आपके सब दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे। युग हामी भरता है, हाँ चलो। युग और शालिनी दोनों साथ साथ नीचे जाने लग जाते हैं। जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बस कायर और कछुआ ही बैठे हुए थे, अभिमन्यु वहां पर नहीं था। युग को वहां पर देखकर कछुआ खुश हो जाता है क्योंकि कछुआ युग को अच्छे से जानता था। युग अपने दोस्तों से भले ही कितना गुस्सा हो जाए पर रूठ कभी नहीं सकता था। कछुआ युग को अपने बगल में बैठने का इशारा करते हुए कहता है, अरे युग आ गया तू, आ बैठना, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। युग बिना कुछ कहे कछुए के बगल में जाकर बैठ जाता है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभिमन्यु भी तो तुम्हारे साथ ही था ना, कहाँ पर है वो, किचन में है क्या? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, किचन में नहीं, बाजार में है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, बाजार में? कायर पूरी बात बताते हुए कहता है, हाँ वो करीब 2 घंटे पहले ही बाजार गया है। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ तुरंत बोल पड़ती है, अभिमन्यु बाजार गया है, पर क्यों, इस बार क्या लेने चला गया वो? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं, वो कभी कुछ बताकर जाता है क्या, उसका मन होता है और वो चले जाता है। कोई पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर अभिमन्यु आ जाता है। अभिमन्यु को देखते से ही शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, तुम बाजार क्यों गए थे अभिमन्यु? अभिमन्यु शालिनी को घूरते हुए जवाब देता है, मछली लेने। शालिनी अभिमन्यु के हाथ देखते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ तो खाली है, अगर मछली लेने गए थे तो फिर मछली कहाँ पर है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ शालिनी, मछली लेने नहीं गया था, काम से गया था, अगर तुम्हें मछली खानी थी तो बता देती, मैं लेकर आता तुम्हारे लिए। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, किस काम से गए थे तुम बाजार अभिमन्यु, तुम्हें बाजार में क्या काम पड़ गया? अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, बता रहा हूँ शालिनी, बता रहा हूँ, तुम्हें बड़ी जल्दी है सब जानने की। शालिनी चुप खड़ी रहती है और अभिमन्यु सोफे पर आकर बैठ जाता है। शालिनी फिर पूछती है, अब बताओ अभिमन्यु क्यों गए थे तुम बाजार? अभिमन्यु अपनी जेब में से हरा हीरा बाहर निकालते हुए कहता है, इस हीरे के बारे में पता लगाने। कछुआ बौखलाहट के साथ बीच में बोल पड़ता है,
फिर कुछ पता चला तुझे हीरे के बारे में? अभिमन्यु अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है। अभिमन्यु जाए और कुछ पता न चले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? युग अभिमन्यु के नजदीक जाते हुए कहता है, फिर क्या पता चला तुझे? अभिमन्यु कहता है, बताता हूँ, सब बताता हूँ। अभिमन्यु हीरे को अपने हाथ में घुमाते हुए कहता है, जब मैं इस हीरे को लेकर बाजार गया तो उन्होंने मुझे कई हीरों के बारे में बताया। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे पहला हीरा कहाँ मिला था? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, कहाँ पर मिला था? अभिमन्यु जवाब देता है, यहीं अपने भारत में, करीब 4000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र में, जिसे अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद की ही एक नदी के किनारे पहला हीरा पाया गया था। हम सबको पता है हीरा कार्बन का ही एक रूप है। वैसे हीरे पारदर्शी सफेद रंग के होते हैं, पर और कई रंगों में पाए जाते हैं। अभिमन्यु एक गहरी सांस लेने के बाद फिर कहता है, मोस्टली हीरे दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक हीरा, दूसरा औद्योगिक हीरा। और अब बाजार में हीरे के 6 प्रकार और रंग के हीरे पाए जाते हैं, जिनमें नीला सफेद, सफेद हल्का कॉपर, गहरा कॉपर, हल्का भूरा और गहरा भूरा हीरे हैं। सबसे जरूरी बात, हीरे के टुकड़े को केवल 22 कोणों तक ही तराशा जाता है। तराशने के बाद हीरे पर पॉलिश की जाती है, फिर उन्हें नाम दिए जाते हैं। कछुआ अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, अबे अभिमन्यु, ये तू हमें क्यों बता रहा है? हमें ये सब नहीं जानना, तू इस हीरे के बारे में बताना। अभिमन्यु कहता है, हाँ बता रहा हूँ कछुए, हरे हीरे के बारे में जान पाए इसलिए इतना सब कुछ बता रहा हूँ, वरना कुछ नहीं जान पाओगे। सब चुप ही रहते हैं और अभिमन्यु को बोलने देते हैं। अभिमन्यु आगे कहता है, जैसा कि मैं शुरुआत में कह चुका हूँ, हीरे की सबसे पहले खोज भारत में हुई थी, और भारत से भी पहले दुनिया बनी थी, और दुनिया से पहले भगवान। पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म के देवी देवता अलग अलग हीरे धारण करते थे। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है, देवी देवता हीरे धारण करते थे? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, अगर हम ज्योतिष शास्त्रों की किताबों को उठाकर देखें तो उनमें हीरो का बहुत महत्व बताया गया है, जिसका सीधा असर इंसानों पर पड़ता है। कुंडलियों नक्षत्रों के आधार पर ही मनुष्य को हीरे की अंगूठियां पहनाई जाती हैं। सब लोग अभिमन्यु की बातें गौर से सुनते रहते हैं। अभिमन्यु आगे कहता है, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हीरे के 8 भेद होते हैं। पहला है हंसपति हीरा। यह हीरा हंस के बगुले के पंख की तरह दिखता है और सफेद रंग का होता है। ब्रह्मा जी इस हीरे को धारण करते थे। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है, भगवान ब्रह्मा जी? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ भगवान ब्रह्मा जी। दूसरा है कमलापति हीरा। ये अनार तथा कमल के पुष्प के गुलाबी रंगों की तरह होता है। इसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। युग आहिस्ते से पूछता है, शिव भगवान कौन सा हीरा धारण करते थे? कहीं वो ये हरा हीरा तो धारण नहीं करते थे? ये हीरा उनका तो नहीं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग आहिस्ते से पूछता है, शिव भगवान कौन सा हीरा धारण करते थे? कहीं वो ये हरा हीरा तो धारण नहीं करते थे? ये हीरा उनका तो नहीं? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही शालिनी बीच में बोल पड़ती है, ये हरा हीरा भगवान शिव का नहीं हो सकता। ये क्या संसार का कोई भी हीरा भगवान शिव जी का नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक बैरागी थे, और बैरागी वो होते हैं जो संसार से विरक्त होते हैं, जिन्हें दुनिया की किसी भी चीज से लोभ नहीं होता है। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, सब शॉक्ड रह जाते हैं। सब एक टक नजर से शालिनी को देखने लग जाते हैं। अभिमन्यु शालिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, शालिनी एकदम ठीक बोल रही है, भगवान शिव जी कोई हीरा धारण नहीं करते थे, वो सिर्फ रुद्राक्ष धारण करते थे, रुद्राक्ष ही उनके लिए सब कुछ था। कछुआ शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता शालिनी कि भगवान शिव कोई हीरा धारण नहीं करते थे? शालिनी बड़े प्यार से कहती है, ये बात तो संसार में प्रत्येक उस व्यक्ति को पता है जो भोलेनाथ का भक्त है, और मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। युग शालिनी को घूरते हुए कहता है, तुम कब से भोलेनाथ की भक्त बन गई शालिनी? तुम तो नास्तिक थी ना? शालिनी हंसते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं युग जी, मैं भला कब नास्तिक थी? युग खामोश रहता है। वो जानता था इस वक्त शालिनी के सामने उसके अतीत के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो चुप रहना ही मुनासिब समझता है। अभिमन्यु आगे कहता है, चौथा है वज्रनील हीरा। ये असली पुष्प अथवा नीलकंठ पक्षी के रंग के समान नीले रंग का होता है। इसे स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र धारण करते हैं। अगला है श्याम वज्र हीरा। ये कृष्ण वर्ण का होता है। इसे कोई और नहीं बल्कि यमराज धारण करते हैं। कछुआ अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हैं बे अभिमन्यु,
यमराज जी भी हीरा धारण करते थे क्या? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ कछुए और यमराज जी भी सिर्फ श्याम वज्र हीरा नहीं बल्कि तेलिया हीरा भी धारण करते थे, जो अत्यंत चिकना होता है, जो स्याही के रंग का होता है। अगला है सनलोई हीरा, यह पीत कृष्ण तथा सुर्ख भूरे रंग का होता है। अभिमन्यु इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले योग उसे टोकते हुए कहता है, बस कर अभिमन्यु, अब हमें और नहीं जानना। तू सीधे सीधे नहीं बता सकता क्या ये हरा हीरा किसका है? कायर भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु युग ठीक बोल रहा है, तू अब सीधे इस हरे हीरे पर आ और बता आखिर ये हरा हीरा किसका है, कौन इसे धारण करता था? अभिमन्यु लंबी आह भरते हुए हरे हीरे पर अपनी नजर टिकाते हुए कहता है, ये हरा हीरा किसी भगवान का नहीं है। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, अगर ये भगवान का नहीं है तो फिर किसका है? क्या ये हीरा किसी इंसान का है? अभिमन्यु पानी अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, ना ही ये हीरा किसी इंसान का है और ना ही किसी भगवान का, ये हीरा एक डायन का है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है, हैरानी से सबकी बोलती बंद हो जाती है। कायर हकलाते हुए कहता है, क्या कहा, डायन का? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायन का, वही डायन है जिनकी शक्तियाँ उनकी चोटी में होती है, जिनकी चीख में इतनी ताकत होती है कि किसी के भी प्राण खींच ले, जो वक्त के साथ बूढ़ी तो होती है पर लोगों को मारकर उनकी जवानी छीन लेती है, जिससे वो सदियों तक जवान रहती है। अभिमन्यु की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए थे, सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। कछुआ अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, तू इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकता है कि ये हीरा डायन का ही है, किसी और का भी तो हो सकता है? अभिमन्यु कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है बल्कि स्विच बोर्ड के पास जाकर कमरे की लाइट बंद कर देता है, जिस कारण कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा छा गया था कि किसी को एक दूसरे के हाथ पैर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। युग अभिमन्यु से कहता है, अभिमन्यु तूने लाइट क्यों बंद कर दी? कायर घबराते हुए कहता है, यार अभिमन्यु देख, मुझे ना ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, तू जानता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, फिर तूने लाइट क्यों बंद करी? तुझे नहीं पता वो काला साया अंधेरे में ही आता है, अब तू जल्दी से लाइट ऑन कर दे वरना वो काला साया आ जाएगा और अंधेरे में हमें वो दिखेगा भी नहीं। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु तुझे ऐसे लाइट बंद नहीं करनी चाहिए थी, मैंने तुझे ये साबित करने बोला था कि ये हीरा डायन का है या नहीं, पर तूने तो उल्टा लाइट ही बंद कर दी, अब तो मुझे वो हीरा तक नहीं दिख रहा है। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, वही साबित कर रहा हूँ कछुए, पर तुम लोग कुछ देर चुप रहोगे तो कर पाऊंगा ना? चुप रहो थोड़ी देर, लगे हो जब से बकबक करने। अभिमन्यु के गुस्सा करने पर सब शांत हो जाते हैं, जिससे कमरे के अंदर एकदम से खामोशी आ जाती है। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ सामने करके रखे हुए थे और उसकी हथेली के ऊपर हीरा रखा हुआ था। जैसे जैसे खामोशी बढ़ती जा रही थी वो हीरे के अंदर हरी रोशनी जागृत होते जा रही थी। देखते ही देखते वो हीरा हरे रंग में चमकने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु के हाथ में कोई तारा रखा हो जो हरे रंग में चमक रहा हो। वो हीरा अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरने लग जाता है, जो सीधे युग और उसके दोस्तों के चेहरे पर पड़ रही थी। हीरे की हरी रोशनी में उनके चेहरे दिखाई देने लग गए थे। अभिमन्यु हीरे पर अपनी नजर साधते हुए एकदम धीमी आवाज में कहता है, डायन के हीरे में तभी शक्तियां जागृत होती हैं जब वो अंधेरे में हो, क्योंकि डायन को अंधेरा पसंद होता है, इसलिए वो अंधेरी जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करती है। इस हीरे की शक्तियां तभी काम करेगी जब अंधेरा होगा, उजाले में नहीं। और कछुए यदि तुझे अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये हीरा डायन का है, तो इस हीरे के एकदम बीच में बड़े ध्यान से देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हीरा एक डायन का है। अभिमन्यु के कहने पर सभी लोग हीरे के एकदम बीचों बीच देखने लग जाते हैं। जब वो अपनी नजरें हीरे के बीच में टिकाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हीरे के अंदर एक छोटी सी काली चोटी थी जो गुथी हुई थी, जो नागिन की तरह हिले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस चोटी के अंदर जान हो। कछुआ हीरे के एकदम बीच में देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, हीरे के अंदर तो चोटी है। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ सही कहा चोटी, और मैंने अभी बताया ना डायन की सारी शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं। अब हुआ यकीन कि ये हीरा डायन का ही है? कछुआ अपनी बातों पर पछताते हुए कहता है, हाँ हो गया यकीन यार, अभिमन्यु तो ग्रेट है। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। जब सब अपनी नजरें स्विच बोर्ड की तरफ करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर शालिनी खड़ी हुई थी। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या शालिनी, तुमने लाइट ऑन क्यों कर दिया, इतना अच्छा तो चल रहा था सब। शालिनी कायर की तरफ देखते हुए कहती है, वो कायर को डर लग रहा था ना इसलिए ऑन कर दी। कायर इस बात पर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, तुम लोगों को इस हीरे की एक और खास बात बताऊं? युग एक्साइटमेंट के साथ झट से कहता है, हाँ बताना अभिमन्यु,
जब से रुका क्यों है? जब से ये हीरा मिला है तब से ही इस हीरे के बारे में तो जानना चाहते थे। तुझे जो भी पता चला है सब बता दे। अभिमन्यु कहता है, जब मैं इस हीरे को लेकर जौहरी के पास गया तो उसने मुझे बताया कि ये हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, बल्कि एक अनमोल हीरा है। जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, हीरे को 22 कोणों तक तराशा जाता है, जबकि इस हीरे को 30 कोणों तक तराशा गया है। उस जौहरी का कहना तो ये तक था कि ये हीरा इस लोक का नहीं बल्कि दूसरे लोक का है। कायर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, दूसरे लोक का? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ दूसरे लोक का। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर दूसरे लोक से तो इस पृथ्वी लोक पर सिर्फ यक्षिणी आई थी। इसका मतलब ये हीरा यक्षिणी लेकर आई थी पृथ्वी लोक पर? अभिमन्यु युग को बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं युग, तू गलत बोल रहा है। दूसरे लोक से सिर्फ यक्षिणी ही नहीं बल्कि कोई और भी था जो इस लोक में आया था। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कौन आया था? अभिमन्यु लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, भक्षानर। जैसे ही अभिमन्यु भक्षानर का नाम लेता है, कमरे के अंदर वापस से खामोशी छा जाती है। अभिमन्यु आगे कहता है, तुम्हें याद है कछुए की दादी ने हमें क्या बताया था? कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, क्या बताया था यार? अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, तू ना एक नंबर का भुलक्कड़ है, तुझे कुछ याद नहीं रहता। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ नहीं रहता याद, पर तुझे तो याद है ना, तो तू ही बता देना, इतना भाव क्या खा रहा है? अभिमन्यु कहता है, हाँ बता रहा हूँ। याद करो, कछुए की दादी ने हमें यक्षिणी के बारे में बताते हुए बताया था कि संसार में कई लोक हैं जिनमें देवी देवताओं, ऋषि मुनि, राक्षस, गंधर्व, भक्षानर का वास था। भक्षानर ने राक्षसों, गंधर्व, डायनों और कई शैतानी ताकतों के साथ मिलकर देवलोक पर आक्रमण कर लिया था और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया था। कायर आगे की बात याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया, और उसी के बाद तो भगवान शिव की तीसरी आँख खुली थी और उन्होंने देवलोक को नष्ट कर दिया था ताकि सारी शैतानी ताकतें मर जाएं। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, पर देवलोक खत्म होने वाला है। उसका ज्ञात पहले ही कुछ भक्षानर को हो गया था, क्योंकि भक्षानर भी भगवान शिव के अनुयायी ही थे। वे अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए थे। युग चिढ़ते हुए कहता है, तू कहना क्या चाहता है, सीधे सीधे बोलना, घुमा फिरा कर क्या बोल रहा है? अभिमन्यु कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है भक्षानर अकेले पृथ्वी लोक पर नहीं आए हो, उनके साथ डायन भी आई हो अपनी जान बचाने के लिए। सॉरी डायन नहीं, महाडायन। कायर दोबारा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब ये महाडायन क्या चीज है भला? अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, महाडायन उसे कहते हैं जो समस्त डायनों की महारानी होती है। हर डायन के पास हीरा नहीं होता है, हीरा सिर्फ महाडायन के पास होता है, और ये हीरा किसी महाडायन का है जो भक्षानर के साथ पृथ्वी लोक पर आई थी, तभी ये हीरा पृथ्वी पर आया। अभिमन्यु की बातें सुनकर शालिनी के अंदर की यामिनी की आत्मा जागृत हो जाती है और वो बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, अभिमन्यु ने एकदम सही अंदाजा लगाया, ऐसा ही हुआ था, ये हीरा महाडायन का ही है जो भक्षानर के साथ पृथ्वी लोक पर आई थी। युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो शालिनी कि अभिमन्यु सही बोल रहा है? शालिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, ऐसा ही हुआ होगा युग जी, मैं कन्फर्म हूँ, वरना आप ही बताइए, किसी दूसरे लोक का हीरा इस लोक में क्या करेगा? युग झट से कहता है, ये भी तो हो सकता है कि इसे यक्षिणी अपने साथ लेकर आई हो, वो भी तब जब वो खुद पृथ्वी लोक पर आई थी। शालिनी तुरंत कहती है, नहीं युग जी, यक्षिणी अपने साथ इस लोक पर सिर्फ अपना ताज लेकर आई थी, वो भी तब जब भक्षानर ने उसे साधना करके बुलाया था। युग पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बीच में बोल पड़ता है, गाइस ये सब छोड़ो कि इस हीरे को पृथ्वी लोक पर लेकर कौन आया था, चलो मान लिया कि महाडायन ही लेकर आई थी भक्षानर के साथ, पर जरा ये सोचो कि ये डायन का हीरा इस ग्रेवयार्ड कोठी में कैसे आया, और आया तो आया, इसे टाइपराइटर के अंदर किसने रखा होगा और क्यों? आखिर कोई डायन का हीरा टाइपराइटर के अंदर रखकर क्या करना चाहता था? कछुए के सवाल सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी कछुए के एक भी सवाल का जवाब नहीं था। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, बाबा ने सही कहा था, बुरा वक्त आने वाला है, इतना बुरा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। मुझे जल्द से जल्द अपना ताज ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रात के 8 बज रहे थे और वर्चस्विनी जिप्सी से अपने घर की तरफ जा रही थी। वर्चस्विनी अभी अपने घर के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे के सामने कोई काली शॉल ओढ़कर खड़ा हुआ था, जो बार बार उसके घर के पास ही मंडरा रहा था, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो घर पर नजर रखे हुए था। वर्चस्विनी जिप्सी को साइड में करती है और जहाँ पर थी वहीं पर रोक लेती है, ताकि उस आदमी को उसके आने की भनक ना लगे। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, ये आदमी कौन है और ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है?
वर्चस्विनी जब उस आदमी को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रज्जन था, जो उसके घर के सामने बार बार मंडरा रहा था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, ये तो वही भिखारी है जिसे सुबह मैंने कैटलिन को खाना देने के लिए बोला था, ये अभी तक मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है, ये भिखारी के भेष में कोई और है, मुझे इसे पकड़ना होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, ये तो वही भिखारी है जिसे सुबह मैंने कैटलिन को खाना देने के लिए बोला था, ये अभी तक मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है, ये भिखारी के बेश में कोई और है, मुझे इसे पकड़ना होगा। इतना कहकर वर्चस्विनी आहिस्ते से अपनी जिप्सी से नीचे उतरती है और अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। वो चुपके चुपके अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी सड़क पर बॉटल रखी हुई थी, जिस पर उसका पैर पड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। पर गिरने से पहले ही वो अपना बैलेंस बना लेती है। पर जब वो संभल कर अपनी नजरें सामने करती है तो देखती है कि वो भिखारी उसकी नजरों के सामने से गायब हो चुका था। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चस्विनी खुद से कहती है, वो भिखारी कहाँ पर गया, अभी तो यहीं पर था। इतना कहकर वर्चस्विनी उस भिखारी को अपने आसपास ढूंढती है। वो भागते हुए अपने घर से 300 मीटर तक आगे जाती है, पर उसे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता है। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो भिखारी तो कहीं नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चले गया, वो मेरे घर के सामने भटक रहा था, कहीं उसने मेरी तारा को कुछ कर तो नहीं दिया। इतना सोचकर वर्चस्विनी घबरा जाती है। वो तुरंत वहां से भागती है और अपने घर के सामने पहुंचकर दरवाजे की बेल बजाने लग जाती है। वर्चस्विनी लगातार दरवाजे की बेल बजाए जा रही थी, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। जैसे जैसे दरवाजा खोलने में देरी होते जा रही थी, वैसे वैसे वर्चस्विनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गई थी। वर्चस्विनी बेल बजाते हुए खुद से कहती है, कम ऑन कैटलिन, गेट खोलो कैटलिन, क्या कर रही हो, हे भगवान मेरी तारा की रक्षा करना, आई होप वो ठीक हो। वर्चस्विनी बेल बजाते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि दरवाजे के सामने कैटलिन खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में झाड़ू थी। वर्चस्विनी की ऐसी हालत देखकर कैटलिन दंग रह जाती है। कैटलिन घबराते हुए कहती है, क्या हुआ मैम, आप इतनी घबराई हुई क्यों है, सब ठीक तो है ना। वर्चस्विनी कैटलिन के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और हड़बड़ाहट के साथ उससे पूछती है, तारा कहाँ पर है कैटलिन, वो ठीक तो है ना। कैटलिन बड़े आराम से कहती है, हाँ मैम तारा बेबी एकदम ठीक है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। वर्चस्विनी तुरंत घर के अंदर घुसती है और सीधे तारा के कमरे में जाती है। जब वो तारा को सोते हुए देखती है तो तब जाकर उसकी जान में जान आती है। अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। वर्चस्विनी तारा के पास जाती है और उसके माथे पर किस कर देती है। वर्चस्विनी कैटलिन से पूछती है, तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया कैटलिन दरवाजा खोलने में। कैटलिन जवाब देती है, वो मैं अंदर वाले कमरे की सफाई कर रही थी मैम, तो मैंने सोचा पूरी झाड़ू लगा लूं फिर खोलूं, इसलिए देर हो गई। वर्चस्विनी तारा को देखते हुए कहती है, तारा ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना। कैटलिन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नहीं मैम, आज तारा बेबी ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि इसने तो अपना आज का दिन बड़े हंसते खेलते गुजारा। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक जब भी तारा ने कोई बुरा सपना देखा है वो दिन भर उसी के बारे में सोचकर परेशान होती रही है, बार बार वही सब बड़बड़ाती रही थी, फिर आज ये कैसे हुआ कि तारा ने सुबह सपना देखा और फिर दिन भर उस सपने के बारे में जिक्र तक नहीं किया। कैटलिन आगे खुद ही कहने लगती है, आज तो तारा बेबी उस भिखारी के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी, मैंने तारा बेबी को इतना खुश इससे पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, तारा भिखारी के साथ खेल रही थी। कैटलिन जवाब देती है, हाँ मैम वही भिखारी जिसे आपने सुबह खाना देने के लिए बोला था। वर्चस्विनी सोच में डूब जाती है और पलट कर कुछ नहीं कहती है। कैटलिन अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, तारा बेबी बड़े मजे से खेल रही थी उस भिखारी के साथ, तारा बेबी उसे वरुथी कहते जाती और वो भिखारी तारा बेबी को महाशक्ति। वर्चस्विनी बड़बड़ाती है, क्या कहा, वरुथी और महाशक्ति, अब ये सब क्या है। कैटलिन हंसते हुए कहती है, आज दिन भर तारा बेबी ने उस भिखारी को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करी है, उस बेचारे की कमर टूट गई होगी। वर्चस्विनी कैटलिन पर चिल्लाते हुए कहती है, कैटलिन तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान के साथ तारा को नहीं खेलने देना चाहिए था, अगर वो किडनैपर होता तो, तुम्हें नहीं पता है क्या आजकल बच्चों की चोरियां इसी तरह होती है,
किडनैपर भिखारी का रूप लेकर आते हैं और बच्चों को चुरा ले जाते हैं। कैटलिन अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, पर मैम आपने ही तो उस भिखारी को खाना देने के लिए बोला था। वर्चस्विनी कैटलिन पर दबाव बनाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें उस भिखारी को रोटी देने के लिए बोला था, ना कि तारा से मिलाने के लिए कहा था। कैटलिन हिचकिचाहट के साथ कहती है, मैं कहां तारा को मिलाने वाली थी, वो तारा बेबी तो। कैटलिन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो कैटलिन, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे वो लोग पसंद हैं जो अपनी गलतियों को कबूल कर लेते हैं, ना कि वो जो उसे छुपाते हैं। कैटलिन पलटकर कुछ नहीं कहती है। वर्चस्विनी नाराजगी के साथ कहती है, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब तुम जा सकती हो। कैटलिन मायूसी के साथ लटका हुआ चेहरा लेकर चुपचाप वहां से चली जाती है। कैटलिन के जाते ही वर्चस्विनी तारा के पास से उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है और वो देखती है कि तारा अभी भी सो रही थी। वर्चस्विनी टॉवल से अपने चेहरे का पानी पोंछ रही थी कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। वर्चस्विनी खुद से कहती है, अब कौन आ गया। इतना कहकर वर्चस्विनी दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जब वो दरवाजे के लेंस से बाहर झांकती है तो देखती है कि बाहर चैटर्जी खड़ा हुआ था। वर्चस्विनी दबी आवाज में खुद से कहती है, ये चैटर्जी इस वक्त यहाँ पर, इसको मुझसे क्या काम पड़ गया। इतना कहकर वर्चस्विनी दरवाजा खोल देती है। जब दरवाजा खुलता है तो वर्चस्विनी देखती है कि चैटर्जी ने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। वर्चस्विनी चैटर्जी से कहती है, चैटर्जी तुम यहाँ कैसे। चैटर्जी जवाब देता है, मैम वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल देने आया था, वो रिपोर्ट देर से तैयार हुई इसलिए देरी हो गई। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, ये तुम मुझे कल पुलिस स्टेशन में भी दे सकते थे, कुछ जरूरी काम था क्या। चैटर्जी कहता कुछ नहीं है, बस सतर्कता के साथ अपने आसपास देखने लग जाता है। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, ओह तुम अंदर आ जाओ, मैं तो तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। चैटर्जी जैसे ही वर्चस्विनी के घर के अंदर घुसता है चारों तरफ देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे चैटर्जी कुछ ढूंढ रहा हो। वर्चस्विनी चैटर्जी से पूछती है, क्या हुआ चैटर्जी, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या। चैटर्जी हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं मैम, मैं भला आपके घर में क्या ढूंढूंगा, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, काफी अच्छी तरह सजाकर रखा है अपने घर। चैटर्जी के इतना कहने के बाद वर्चस्विनी और चैटर्जी दोनों सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। वर्चस्विनी चैटर्जी से कहती है, हाँ तो बताओ क्या पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चैटर्जी। चैटर्जी बौखलाहट के साथ कहता है, मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता नहीं चल पाया कि कमली का दिल कातिल ने किस हथियार से निकाला था। डॉक्टर भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि आखिर कातिल ने कैसे कमली की बॉडी में का सारा ब्लड निकाल लिया। उसकी बॉडी में ब्लड की एक बूंद तक नहीं थी। वर्चस्विनी कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस चैटर्जी की बात सुनती रहती है। चैटर्जी आगे कहता है, एक और बात मैम, कमली का जो प्राइवेट पार्ट था वो बुरी तरह सूजा हुआ था, जिससे साफ पता चलता है कि कातिल जो भी था बड़ा ही खूंखार था, जिसके दिल में रहम नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी। वर्चस्विनी फिर कुछ रिएक्ट नहीं करती है, नॉर्मल बर्ताव करती है। चैटर्जी वर्चस्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ मैम, आपको मेरी बातें सुनकर जरा सी भी हैरानी नहीं हुई क्यों। वर्चस्विनी चैटर्जी के हाथ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हुए कहती है, चैटर्जी ये जो तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हो ना, ऐसी कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं देख चुकी हूँ, बस फर्क इतना है कि पहले आदमियों की देखती थी और अब औरतों की। वर्चस्विनी की बात सुनकर चैटर्जी की बोलती बंद हो जाती है। चैटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, तो अब तक आपने उस कातिल को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करी मैम। वर्चस्विनी अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहती है, तुम कोशिश की बात कर रहे हो चैटर्जी, मैंने अपना सारा फोर्स लगा दिया कातिल को पकड़ने में, पर अब भी वो मेरे हाथों से उतना ही दूर है जितना पृथ्वी से सूरज। चैटर्जी खामोश रहता है और शांति के साथ वर्चस्विनी की बातें सुनता रहता है। ना जाने वर्चस्विनी को क्या हो जाता है, आज तक जो भी एहसास जज्बात उसने चार्ली और जाटव से छुपा कर रखे थे वो चैटर्जी के सामने निकलने लग जाते हैं। कभी कभी तो लगता है मैं कातिल का नहीं किसी परछाई का पीछा कर रही हूँ, जो जाले में आते ही गायब हो जाती है, और वो परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि। चैटर्जी तुरंत पूछता है, अगर वो परछाई किसी इंसान की नहीं तो किसकी है मैम। वर्चस्विनी संभल जाती है और बात को पलटते हुए कहती है, छोड़ो चैटर्जी तुम नहीं समझोगे, ये बताओ कल रात जिस शख्स के साथ कमली थी उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला। चैटर्जी कहता है, मैम पता चला है कि कल रात कमली अपने पुराने ग्राहक के साथ गई थी, वो ग्राहक हर शनिवार रविवार उसे लेने जाया करता था। ये भी पता चला है कि उस ग्राहक के साथ कमली हनीमून होटल में जाती थी, पर उस शख्स ने अपनी सही जानकारी वहाँ पर दर्ज नहीं कराई थी, जिस कारण अभी तक हम उस तक पहुँच नहीं पाए हैं, पर जल्द ही पहुँच जाएंगे। वर्चस्विनी पूछती है, और वो 500 के नोटों की गड्डी जो हमें कमली की लाश के पास से मिली थी उसका क्या हुआ। चैटर्जी कहता है, मैडम जी वो गड्डी जो हमें मिली थी उसमें जितने भी नोट है सब एक सीरीज में है,
तो मैंने टीम को पता करने को बोल दिया है। जल्द पता चल जाएगा कि वो किस बैंक या एटीएम से निकाले गए थे और किसने निकाले थे। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, गुड वर्क चटर्जी। चटर्जी कहता है, अच्छा मैम अब मैं निकलता हूँ, आपका भी डिनर का वक्त हो रहा होगा, काफी रात हो गई है, मेरी वजह से खामखा देर हो गई आपको। इतना कहकर चटर्जी अपनी जगह पर से उठने लग जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ कहता है, शिट, सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया। वर्चस्विनी तुरंत बौखलाहट के साथ पूछती है, कैसी जरूरी बात चटर्जी? चटर्जी वापस से सोफे पर बैठते हुए कहता है, एक हफ्ते पहले किसी ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए पूछती है, कैसी रिपोर्ट, तुम डिटेल्स में बताओगे चटर्जी? चटर्जी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ऑर्गन्स चोरी की रिपोर्ट। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा, ऑर्गन्स चोरी की रिपोर्ट? चटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैम, मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में एक पिता ने अपने बेटे के लिए अपनी आंखें डोनेट करी थी, पर उनका कहना है कि उनके बेटे को वो आंख मिली ही नहीं। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? चटर्जी आगे कहता है, हाँ मैम, जब मैं इस मामले की तह तक गया तो पता चला कि सिर्फ उस पेशेंट की ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे पेशेंट थे जिनके लिए आंखें डोनेट तो करी गई थी पर उन पेशेंट को मिली ही नहीं। वर्चस्विनी चटर्जी से पूछती है, ऑर्गन्स में सिर्फ आंखें ही चोरी हुई या कुछ और पार्ट्स भी? चटर्जी तुरंत कहता है, सिर्फ आंखें ही चोरी हुई है मैम। वर्चस्विनी अचंभित होते हुए कहती है, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है चटर्जी। चटर्जी कहता है, तभी तो मैम मैंने इस मामले की तुरंत छानबीन शुरू कर दी और मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबकी फुटेज निकाली। जब एक महीने की फुटेज मैंने बार बार देखी तो मैंने एक चीज नोटिस करी। वर्चस्विनी चटर्जी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या नोटिस किया तुमने? चटर्जी जवाब देता है, उस पूरे महीने की फुटेज में दो आदमी ऐसे थे जिनका मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। वो हर एक दो दिन में वहां पर आते थे, वो भी ज्यादातर रात के वक्त, और उनके हाथ में एक सफेद पॉलीथीन भी रहती थी। वर्चस्विनी पूछती है, क्या था उस सफेद पॉलीथीन के अंदर चटर्जी, कुछ पता चला? चटर्जी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वो तो मुझे नहीं पता मैडम जी, पर उनकी सूरत देखकर साफ समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो जो चोरी करने का डर होता है ना, वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वर्चस्विनी चटर्जी से सवाल पूछना जारी रखती है, कौन थे वो दो आदमी? क्या वो स्टाफ में से ही कोई थे जिनका आना जाना लगा रहता था हॉस्पिटल में? चटर्जी जवाब देता है, बिल्कुल नहीं मैडम जी, बल्कि वो दोनों तो रोंगका मुचा गांव के रहने वाले हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, रोंगका मुचा गांव? चटर्जी कहता है, हाँ मैडम जी। चटर्जी कुछ याद करते हुए कहता है, क्या नाम बताया था उन्होंने उसका? क्या नाम था, याद आया, दिलीप और सुदेश, यही नाम बताया था उस गार्ड ने उन दोनों का। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा, सुदेश और दिलीप? वही दिलीप जिनका अच्छा खासा नाम है और पूरे मेहंदी पथार में सबसे अमीर है। चटर्जी हामी भरता है, हाँ मैम वही दिलीप जी, वही अपने साले सुदेश के साथ मेहंदी पथार हॉस्पिटल आते जाते हैं। जो आते तो खाली हाथ है पर जाते एक पॉलीथीन के साथ है। मुझे तो लगता है वही वो पॉलीथीन है जिसमें वो आंखें ले जाते होंगे चुरा कर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। चटर्जी हामी भरता है, हाँ मैम वही दिलीप जी, वही अपने साले सुदेश के साथ बार बार मेहंदी पथार हॉस्पिटल आते जाते हैं। जो आते तो खाली हाथ है पर जाते एक पॉलीथीन के साथ है। मुझे तो लगता है वही वो पॉलीथीन है जिसमें वो आंखें ले जाते होंगे चुरा कर। वर्चस्विनी तुरंत चटर्जी से पूछती है, तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो चटर्जी कि उस पॉलीथीन के अंदर वो दोनों आंखें ले जाते थे? चटर्जी अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता मैम ये चीज, बस मुझे लगता है, वरना आप ही बताइए भला वो दोनों उस सफेद पॉलीथीन में क्या ले जाते होंगे। वर्चस्विनी खामोश रहती है क्योंकि उसके पास चटर्जी के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, जब मुझे धनिया ने बताया था कि रतन पाली ने ताज दिलीप के पास से चुराया था तभी से मैं इसे अपनी हिरासत में लेना चाहती थी, उससे पूछताछ करना चाहती थी पर कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। उस पर नजर भी रखी पर कुछ सबूत हाथ नहीं लगा। अब जाकर एक अच्छा सबूत हाथ लगा है, बुलाओ इन जीजा साले को पुलिस स्टेशन में जरा, मैं भी तो जानू आखिर ये दोनों पॉलीथीन में क्या ले जाते हैं। चटर्जी ऑर्डर मानते हुए कहता है, जी मैम मैं आज ही फरमान भेज देता हूँ, कल सुबह तक वो दोनों आपके सामने पुलिस स्टेशन में हाजिर होंगे। इतना कहकर चटर्जी वहां से जाने के लिए अपनी जगह पर से उठने लग जाता है।
अभी चटर्जी आधा ही उठा था कि तभी वर्चस्वी ने उससे पूछती है, दो मिनट चटर्जी। चटर्जी कहता है, जी मैम, कहिए। वर्चस्वी चटर्जी पर शक करते हुए पूछती है, चटर्जी अगर ऑर्गन्स चोरी की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई थी तो उस केस के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चटर्जी हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है, वो मैम क्या है ना, आप पहले से ही बहुत सारे केसेस में बिजी थी, इसलिए मैं आपको और बिजी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही इस केस की छानबीन शुरू कर दी और देखिए मैंने केस लगभग सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है हम गुनहगारों तक पहुंचने वाले हैं। वर्चस्वी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये चटर्जी तो कुछ ज्यादा ही होशियार निकला, जिस तरह नाम है उसी तरह इसका काम है। चटर्जी वर्चस्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहता है, आप क्या सोच रही हैं मैम? वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, कुछ नहीं चटर्जी, कुछ नहीं। चटर्जी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैम आपको नहीं बताना तो मत बताइए, पर झूठ मत बोलिए। मैंने आपसे कहा था ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से इंसान के गुनाह बढ़ जाते हैं और उन सारे गुनाहों की सजा उन्हें। चटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी कहती है, उन सारे गुनाहों की सजा उन्हें ऊपर मिलती है, ईश्वर के पास। चटर्जी और वर्चस्विनी दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। चटर्जी वर्चस्विनी से वहां से जाने की इजाजत मांगते हुए कहता है, अब मैं जा सकता हूँ मैम? वर्चस्विनी खोए हुए अंदाज में जवाब देती है, हाँ तुम जा सकते हो। चटर्जी वहां से चला जाता है। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त बरस सकते थे। वंदना अमोदिता रात के अंधेरे में कहीं जा रही थी। दोनों ही बड़ी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे। वंदना के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही थी। वो दोनों जहां पर भी जा रहे थे उस जगह जाने के लिए वंदना बहुत खुश थी, पर अमोदिता बहुत घबराई हुई थी। उसे देखते ही ये लगता था कि जिस जगह पर वो जा रहे थे वहां पर उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर ना चाहते हुए भी वहां पर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो बड़ी मायूसी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। अमोदिता चलते चलते रुक जाती है। जैसे ही अमोदिता रुकती है वंदना दहाड़ते हुए कहती है, क्या हुआ नालायक अमोदिता, तू रुक क्यों गई? अमोदिता जानबूझकर हांफने का नाटक करते हुए कहती है, अब थक जाऊंगी तो रुकूंगी ना वंदना भाभी, मुझ में आपकी तरह फुर्ती थोड़ी है। वंदना गुस्सा करते हुए कहती है, सब जानती हूँ मैं कि तुझ में कितनी फुर्ती है, अगर हम वहां पर युग पर टोना करने जा रहे होते ना तो तेरे कदम वहीं पर जाकर थमते। जैसे ही वंदना युग का नाम लेती है अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, अभी ना भाभी। वंदना अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कैसी लड़की है तू, मैंने तेरी तारीफ नहीं करी है जो तू शर्मा रही है, अब जल्दी चल। अमोदिता पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही आसमान में जोर से बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि आसपास के सारे पेड़ पौधे दिखाई देने लग गए थे। बिजली चमकने के साथ ही बादल भी गरजने लग गए थे। अमोदिता आसमान में काले घने बादलों को देखते हुए कहती है, भाभी जरा ऊपर तो देखिए, ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे तो लगता है हमें वहां फिर कभी जाना चाहिए, अभी वापस से घर चलना चाहिए, अभी हम घर से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, जल्दी वापस पहुंच जाएंगे। वंदना अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रही है तू, अपना मुंह बंद रख, आज मुझे क्रकण हथियार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं त्रिकोण हवन कुंड के पास जाऊंगी और वो क्रकण हथियार बना कर रहूंगी। अमोदिता चिढ़ते हुए कहती है, वंदना भाभी आखिर आप क्रकण हथियार के इतना पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? वंदना तुरंत कहती है, क्योंकि उससे यक्षिणी मर सकती है और मैं यक्षिणी को मारना चाहती हूँ, उसका हमेशा के लिए अंत करना चाहती हूँ। अमोदिता पलट कर कहती है, माना वंदना भाभी की क्रकण हथियार से आप यक्षिणी को मार देंगी, पर अभी आपने देखा ना अमावस्या निकल चुकी है, अब पूर्णिमा की रात ही यक्षिणी किश्नोई नदी के पास जाएगी और पूर्णिमा आने में अभी बहुत वक्त है, हम आराम से क्रकण हथियार बनाकर उसे मार सकते हैं। वंदना अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, तुझे किसने बोला कि मैं यक्षिणी को किश्नोई नदी पर मारूंगी? अमोदिता आहिस्ते से पूछती है, तो फिर आप उसे कहां पर मारोगी? वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, उसके घर में, उसके ही घर के अंदर घुसकर मैं उसे मार दूंगी। वंदना की बातें सुनकर अमोदिता शॉक्ड रह गई थी। अमोदिता धीरे से पूछती है, और यक्षिणी का घर कहाँ है? वंदना अमोदिता के एकदम नजदीक जाकर कहती है, तूने ग्रेवयार्ड कुठी को नहीं देखा क्या? वही उसका घर है, वो पहले भी वहीं पर रहती थी, आज भी वहीं पर है, मैं उसे उसकी ग्रेवयार्ड कोठी में ही मार दूंगी। अमोदिता मन में सोचती है, ग्रेवयार्ड कोठी में तो युग जी भी रह रहे हैं, इसका मतलब इतने दिनों से युग जी यक्षिणी के साथ है।
सौदाइन होने के कारण वंदना अमोदिता के मन की बात सुन लेती है और हंसते हुए कहती है, हाँ अमोदिता, युग यक्षिणी के साथ रहता है, उसका बाप भी यक्षिणी के साथ रहता था और अब बेटा भी। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं, यक्षिणी के जिस्म के प्यासे। अमोदिता पलटकर कुछ नहीं कहती है, चुपचाप खड़ी रहती है। वंदना अमोदिता के मन में आग लगाने के लिए कहती है, ना जाने कितनी रातें युग ने यक्षिणी के साथ बिताई होंगी, अपने जिस्म की प्यास को उसे चूम कर बुझाई होगी। ना जाने कितनी बार दोनों एक साथ सोए होंगे, एक ही बिस्तर पर हम बिस्तर होने के लिए। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं वंदना भाभी, मेरे युग जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वंदना कहती है, तू मर्दों को अच्छे से नहीं जानती अमोदिता, क्योंकि तू नालायक है। जहाँ औरतों का पल्ला उनके गिरेबान पर से गिरता है, इन मर्दों की नीयत भी गिर जाती है। तू जानती है ना यक्षिणी कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि बैरागी भी उसकी खूबसूरती को देखकर अपना बैराग छोड़ते, फिर तो वो सिर्फ युग है। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ। अमोदिता तुरंत पलट कर कहती है, मुझे कुछ नहीं समझना, आप जो भी सोच रही हैं वंदना भाभी बहुत गलत समझ रही हैं। आप ही बताइए, अगर मेरे युग जी यक्षिणी के साथ सोए होते तो यक्षिणी उन्हें कब का मार देती। आप जानती है ना, संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार को मार देती है, तो फिर उसने युग जी को क्यों नहीं मारा। वंदना खोए हुए अंदाज में कहती है, मारा तो यक्षिणी ने युग के बाप को भी नहीं था। वंदना की बात सुनकर अमोदिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब छोटे फूफा जी भी यक्षिणी के साथ सोए थे। बातों ही बातों में वंदना ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। जब वंदना को इस बात का एहसास होता है तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है, तू बातें ही करती रहेगी या चलेगी भी। अमोदिता वंदना पर दबाव बनाते हुए कहती है, पर मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए वंदना भाभी, बताइए ना, क्या छोटे फूफा जी भी यक्षिणी के साथ। अमोदिता अपनी बात पूरी करती है, उससे पहले ही वंदना उसे बीच में टोकते हुए कहती है, तू मुझे उस त्रिकोण हवन कुट के पास लेकर चलेगी या नहीं, या तू युग को यक्षिणी के साथ ही सोने देना चाहती है जिंदगी भर के लिए। वंदना का ताना सुनकर अमोदिता की बोलती बंद हो जाती है। वंदना आगे कहती है, मुझे जल्दी ले चल उस त्रिकोण हवन कुंड के पास, ताकि मैं क्रिकेट हथियार बनाकर उस यक्षिणी को मार सकूं। वंदना बड़े प्यार से कहती है, मैं उस यक्षिणी को मारूंगी, तभी तो तू युग के साथ सो पाएगी ना। तुझे युग के साथ सोना है या नहीं सोना है वो तू देख ले। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, अमोदिता फिर शर्माने लग जाती है। वंदना अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, तू तो सोने के नाम से ही शर्मा गई अमोदिता, पता नहीं तेरा तब क्या हाल होगा जब तू असल में युग के साथ सोएगी, बड़ी नालायक है तू सही में। अमोदिता त्रिकोण हवन कुंड के पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, और वंदना भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वंदना अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन ही मन सोचती है, वंदना को सब पता है कि किसको कैसे लाइन पर लाना है। कुछ ही देर में अमोदिता वंदना को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से त्रिकोण हवन कुंड 500 मीटर की दूरी पर था। अमोदिता और वंदना के आसपास चारों तरफ घना जंगल ही जंगल था, ऐसा जंगल जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों की लंबाई से कहीं ज्यादा लंबे पेड़ उनके अगल बगल लगे हुए थे। अमोदिता अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन ही मन सोचती है, भगवान बस माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वंदना भाभी को लेकर यहाँ पर आई हूँ, वरना वो मुझे मार डालेगी, कहेगी नालायक एक राज भी अपने पेट में नहीं रख सकती, कैसी सौदाइन बनेगी। तो अमोदिता भगवान से यही सब दुआएं मांगते हुए आगे बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से वंदना कसकर चीखती है, आ। वंदना इतनी कसकर चीखी थी कि उसकी चीख आसमान में गूंजने लग गई थी। अमोदिता तुरंत पीछे मुड़ती है और वंदना से पूछती है, क्या हुआ वंदना भाभी, आप चीखी क्यों। वंदना अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कोहनी पकड़ते हुए कहती है, अमोदिता ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे उल्टे हाथ में कुछ चुभोया हो। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा, हाथ में कुछ चुभाया हो। इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करती है और वंदना के उल्टे हाथ की कोहनी पर टॉर्च की रोशनी मारने लग जाती है। जब वंदना के उल्टे हाथ पर टॉर्च की रोशनी गिरती है तो अमोदिता देखती है कि वंदना के उल्टे हाथ की कोहनी के एकदम बीचों बीच एक गोल रक्त की बूंद थी। वो रक्त की बूंद ऐसी थी जैसे उस जगह पर किसी ने कोई नुकीली चीज चुभाई हो, जैसे कि कोई कील। देखते ही देखते उस रक्त की बूंद में से रक्त की धारा बहने लग जाती है। वंदना दर्द से कराहते हुए चीखती है, आ मेरा हाथ। वंदना की कोहनी से रक्त की धारा बहते देख अमोदिता के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वंदना अभी अपनी कोहनी के दर्द से कराह ही रही थी
कि जिस तरह का निशान कोहनी पर पड़ा था वैसे ही पैर के तलवे के एकदम बीचों बीच भी पड़ जाता है। वंदना दर्द से चीखती है, मेरा पैर। देखते ही देखते वंदना के पैर के तलवे के बीच में से भी रक्त की धारा बहने लग जाती है। वंदना दर्द से कराहे जा रही थी और अमोदिता कुछ नहीं कर पा रही थी। लगातार खून को निकलता हुआ देखकर वो बहुत घबरा गई। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे हाथ पैरों में क्या हो रहा है। अमोदिता जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और कहती है, मुझे लग रहा है भाभी ये सब वो यक्षिणी कर रही है, वो नहीं चाहती कि मैं आपको त्रिकोण हवन कुंड के पास लेकर जाऊं। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, यक्षिणी। अमोदिता घबराते हुए कहती है, मैंने आपको कहा था ना भाभी हमें आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये सब उसी के कारण हो रहा है, चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। वंदना पैर से बहती हुई रक्त की धारा पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। वंदना को और ज्यादा दर्द होने लग जाता है, वो दर्द से फिर से कराहना शुरू कर देती है। वंदना को कराहता हुआ देखकर अमोदिता की आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे। अमोदिता रोते हुए कहती है, मेरी बात मानिए भाभी और चलिए यहाँ से, यहाँ पर रुकना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। वंदना बदले की आग में कहती है, अब मैं अपनी मौत को बुलावा दे चुकी हूँ तो वही सही, या तो आज वो यक्षिणी बचेगी या मैं। मुझे पता है वो यक्षिणी यहीं कहीं पर है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो छुपकर मुझ पर वार कर रही है ना, मैं भी देखती हूँ कब तक करती है। वंदना ने इतना कहा ही था कि तभी जिस तरह उसके उल्टे हाथ की कोहनी से खून निकल रहा था ठीक उसी तरह उसके सीधे हाथ की कोहनी से भी खून की धारा निकलने लग जाती है। वंदना और दर्द से कराहने लग जाती है, वो दर्द से इतना कराह रही थी कि उसके कराहने की चीखें बार बार आसमान में गूंज रही थी। अमोदिता अपने आंसू पोंछकर वंदना को समझाते हुए कहती है, पागलपन मत करिए वंदना भाभी और चलिए यहाँ से। वंदना अपने जख्मों को सहते हुए गुस्से के साथ कहती है, पागल तो मैं तभी हो गई थी जब उस यक्षिणी ने मेरे विराट को मारा था, पर अब मरने की बारी उसकी है, या तो आज वो रहेगी या फिर मैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। वंदना अपने जख्मों के दर्द को सहते हुए गुस्से के साथ कहती है, पागल तो मैं तभी हो गई थी जब उस यक्षिणी ने मेरे विराट को मारा था, पर अब मरने की बारी उसकी है, या तो आज वो रहेगी या फिर मैं। अमोदिता रोते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए भाभी, मैं आपको खोना नहीं चाहती, भले ही हमारे बीच कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, पर सच ये है कि आप मेरी प्यारी भाभी है। मैं विराट भैया को तो पहले ही खो चुकी हूँ, पर अब आपको नहीं खोना चाहती। अमोदिता की बातें सुनकर वंदना का मन भर आता है, उसकी भी आंखों से अशकों की धारा बहने लग जाती है। जख्मों के कारण वंदना को जो दर्द हो रहा था वो उसे भूल जाती है। वंदना और अमोदिता दोनों ही एक दूसरे को मार्मिकता के साथ देख ही रही थी कि तभी वंदना अपने आंसुओं को पोंछती है और गुस्से के साथ कहती है, अमोदिता मुझसे दूर हट। अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं भाभी मैं नहीं हटूंगी। वंदना अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहती है, मैंने कहा मुझसे दूर हट। वंदना के लहजे में अमोदिता के लिए एक आदेश था और ना चाहते हुए भी अमोदिता को उस आदेश का पालन करना पड़ रहा था। अमोदिता अपने कदम पीछे खींचने लग जाती है और वंदना से दूर हटने लग जाती है। अभी अमोदिता ने अपने दो तीन कदम ही पीछे लिए थे कि तभी वंदना के सीधे हाथ की कोहनी में भी पहले वही डॉट बनता है और फिर उससे भी रक्त की धारा बहने लग जाती है। वंदना कसकर दर्द से कराहती है, आह। अमोदिता वंदना के पास जाते हुए कहती है, भाभी। अमोदिता वंदना के पास पहुंच पाती उससे पहले ही वंदना अपने हाथों से ना में इशारा करते हुए कहती है, नहीं अमोदिता पीछे जा अमोदिता। अमोदिता अशकों की धारा बहाते हुए पीछे जाने लग जाती है। अमोदिता वंदना से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। वंदना बड़ी ही हिम्मत करके अपने पैरों के बल खड़ी हो जाती है। वंदना आक्रोश में कहती है, तू जानती नहीं है यक्षिणी सौदाइनों में कितनी ताकत होती है, मैं तुझे मार नहीं सकती तो क्या हुआ, कमजोर तो कर सकती हूँ ना, मैं तुझे आज इतनी कमजोर कर दूंगी कि फिर तू कभी किसी मर्द या औरत का शिकार नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वंदना अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी गांठ को खोलने लग जाती है और उसके अंदर से अपना नाखून निकाल लेती है।
रात के अंधेरे में वंदना का नाखून किसी पैने हथियार की तरह चमक रहा था। वंदना अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे वो मंत्र का जाप करते जा रही थी, वैसे वैसे उसके हाथ का नाखून उसी शेप में बड़ा होने लग जाता है। ये सब देखकर अमोदिता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सौदाइन के पास ऐसी भी कोई शक्ति हो सकती है। ये सब किसी जादू की तरह हो रहा था। जैसे ही वंदना का नाखून उसकी हथेली के बराबर होता है, वंदना अपनी आंखें खोल लेती है। वंदना का नाखून इतना बड़ा हो गया था कि वो उसे आसानी से पकड़ सकती थी। वंदना उस नाखून को अपने उल्टे हाथ में पकड़ते हुए कहती है, आ जा यक्षिणी, अब मैं तैयार हूँ, आ जा। अचानक से वातावरण में खामोशी छा जाती है। इतनी खामोशी की वंदना और अमोदिता दोनों को ही तेज तेज चलती उन दोनों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वंदना अपने आसपास देखने लग जाती है, पर अंधेरा इतना था कि अमोदिता के सिवा उसे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वंदना की समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी अब उस पर हमला क्यों नहीं कर रही थी। वंदना यक्षिणी को ललकारते हुए कहती है, क्या हुआ यक्षिणी, डर गई? आ, मेरे सामने आ और मुझ पर हमला कर, मार दे मुझे। वंदना यक्षिणी के हमला करने का इंतजार करने लग जाती है, पर इस बार भी उस पर कोई हमला नहीं होता है। वंदना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यक्षिणी मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही है। वंदना यक्षिणी के खिलाफ साजिश रचते हुए धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी के हमले का इंतजार क्यों करूं? वो मुझ पर हमला करे, इससे पहले मैं ही उस पर हमला कर दूंगी। इतना कहकर वंदना अपना नाखून सामने की तरफ करती है और मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम अमोघ वैरोचन महामुद्रा मणिपदम ज्वाला प्रवर्ताय मैं। जैसे ही वंदना का मंत्र पढ़ना पूरा होता है, उसके नाखून में से सफेद रोशनी निकलने लग जाती है। एक ऐसी सफेद रोशनी जिसकी किरणें दूर तक जा रही थी। वंदना अपने नाखून को सामने की तरफ करके गोल गोल घुमाने लग जाती है। नाखून से निकलती हुई सफेद रोशनी में वंदना यक्षिणी को ढूंढ रही थी। सौदाइनों के नाखूनों से वो श्वेत रोशनी निकलती है जिसमें कोई भी अदृश्य शक्ति छुप नहीं सकती है। वंदना नाखून लेकर बार बार एक ही जगह पर गोल चक्कर लगाते हुए यक्षिणी को उन लंबे लंबे घने पेड़ों के बीच ढूंढ रही थी, पर उसे वो उस श्वेत रोशनी में कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे इस चीज का एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। वंदना मंत्र पढ़ना बंद करती है और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। अमोदिता घबराते हुए कहती है, आप किसकी बात कर रही हैं भाभी? वंदना जवाब देती है, यक्षिणी की अमोदिता। वंदना ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पैर मरोड़ रहा है। वंदना फिर दर्द से कराती है, आह, मेरा पैर। अमोदिता घबराते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी? वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, अमोदिता, ओह, कोई मेरा पैर मरोड़ रहा है। अमोदिता उसी घबराहट के साथ कहती है, पर ये कैसे हो सकता है? अगर वो यक्षिणी यहाँ पर है ही नहीं तो वो आपका पैर कैसे मरोड़ सकती है? वंदना दर्द से कराहते रहती है। अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वंदना मन मन कोई सा मंत्र पढ़ती है और अपने नाखून से अपने सीधे पैर के ऊपर स्पर्श करवा देती है, जिस कारण उसका दर्द कुछ देर के लिए थोड़ा कम हो जाता है। वंदना के दिमाग में अमोदिता की बातें घूमने लग जाती हैं। अगर वो यक्षिणी यहाँ पर है ही नहीं तो वो आपका पैर कैसे मरोड़ सकती है? कैसे मरोड़ सकती है? कैसे मरोड़ सकती है? वंदना के दिमाग में न जाने क्या आता है। वो एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मारण क्रिया से। अमोदिता अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा, मारण क्रिया से? वंदना अमोदिता को समझाते हुए कहती है, हाँ, मारण क्रिया से ही आप अपने शत्रु को घर बैठे मार सकते हैं। वो यक्षिणी जरूर ग्रेवयार्ड कोठी में ही बैठी है और वहीं से मुझे मारने के लिए मारण क्रिया कर रही है। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ, मारण क्रिया, इसके बारे में माँ ने मुझे बताया था जब वो मुझे तंत्र मंत्र यंत्र की किताब का पहला अध्याय पढ़ा रही थी। अमोदिता डरते हुए कहती है, ये मारण क्रिया तो बहुत खतरनाक होती है वंदना भाभी, इतनी खतरनाक कि किसी की भी जान चली जाए। इसे किया ही इसलिए जाता है ताकि सामने वाले को मार सके। अब हम क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे यक्षिणी को? मैं आपको खोना नहीं चाहती वंदना भाभी। वंदना फिर दर्द से कराहने लग जाती है और वंदना को कराहता हुआ देखकर अमोदिता फिर भावुक हो जाती है। वंदना दर्द से कराहते हुए सोचने लग जाती है कि वो क्या करे।
तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब मारण क्रिया को कीलन क्रिया से रोका जा सकता है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अब ये कीलन क्रिया क्या होती है वंदना भाभी? वंदना तुरंत जवाब देती है, कीलन वो क्रिया होती है जिससे शैतानी शक्ति को बांधा जा सकता है। मैं कीलन क्रिया करके अपने मंत्रों की शक्ति से यक्षिणी की शक्ति को कुछ देर के लिए बांध दूंगी, और एक बार यक्षिणी की शक्ति बंध जाए तो फिर वो मारण क्रिया वक्त रहते नहीं कर पाएगी, क्योंकि मारण क्रिया को करने की सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि मारण क्रिया को निश्चित समय अवधि में पूरा किया जाए, वरना वो सिद्ध नहीं हो पाती है। वंदना अपनी बात खत्म करते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, कीलन क्रिया करने के लिए मुझे अमृत्यु कीलें, भक्षक पात्र, दंडक और भी कई सामान चाहिए, और इस वक्त ये सब सामान मुझे त्रिकोण हवन कुंड के पास से मिल सकता है। अमोदिता, तू जल्दी ले चल मुझे त्रिकोण हवन कुंड के पास, अब तू ही है जो मेरी जान बचा सकती है। अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी भाभी, मैं अभी आपको त्रिकोण हवन कुंड के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर अमोदिता वंदना को अपने कंधों का सहारा देती है और वंदना को लेकर त्रिकोण हवन कुंड के पास जाने लग जाती है। वंदना लगातार दर्द से कराहती जा रही थी और अमोदिता उसे सहारा दिए हुए थी। बादलों के गरजने की आवाज के साथ जंगली जानवरों के रोने की आवाजें भी सुनाई देने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनर्थ होने वाला हो। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, बस अमोदिता, अब मैं और नहीं चल पाऊंगी, लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। अमोदिता वंदना को संभालते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए भाभी, हम बस पहुंचने वाले हैं, हौसला रखिए। वंदना हार मानते हुए कहती है, नहीं अमोदिता, अब बस बहुत हुआ, मैं अब और नहीं चल सकती। अमोदिता वंदना का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, आप चल सकती हैं वंदना भाभी, आप भूलिए मत आप कौन हैं, आप एक सौदाइन हैं और सौदाइनें कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। इतना कहकर अमोदिता वंदना का हाथ थामती है और जबरदस्ती उसे आगे बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता वंदना को लेकर त्रिकोण हवन कुंड के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो दूर से ही देखती है कि त्रिकोण हवन कुंड के सामने एक औरत बैठी हुई थी। अमोदिता और वंदना को वो औरत साइड से दिख रही थी, जिस कारण उन दोनों को उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत का चेहरा दिखाई ना देने की एक और वजह ये थी कि उस औरत ने अपने बाल खुले करके रखे हुए थे, जो उसके चेहरे के सामने बिखरे पड़े हुए थे। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो अजीबो गरीब मंत्र बड़बड़ाए जा रही थी। त्रिकोण हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अमोदिता उस औरत को देखते हुए कहती है, ये कौन है और ये मेरे त्रिकोण हवन कुंड के पास क्या कर रही है? वंदना भी उस औरत को दूर से देखकर दंग रह गई थी। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी। अमोदिता डरते हुए कहती है, कहीं ये औरत यक्षिणी तो नहीं? इतना कहकर अमोदिता की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। उस औरत को देखकर अमोदिता और वंदना दोनों को ही सांप सूंघ गया था। जब वंदना उस औरत की गतिविधियों को अच्छे से देखती है तो नोटिस करती है कि उस औरत के हाथ में एक पुतली थी और वो पुतली हूबहू वंदना की तरह दिख रही थी। वंदना की तरह उस पुतली के बाल, चेहरा और सफेद साड़ी थी। उस औरत ने उस पुतली के दोनों हाथ पैरों में कील भी चुभाई हुई थी। उस औरत के दूसरे हाथ में एक पैना चाकू था, जिसकी नोक को आसमान की तरफ करके वो कोई सा मंत्र पढ़े जा रही थी। वंदना उस औरत की आवाज सुनते हुए अमोदिता से धीरे से कहती है, ये तो मारण मंत्र है, इसका मतलब यही मुझ पर मारण क्रिया कर रही है। अमोदिता मन ही मन सोचती है, मतलब यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं बल्कि त्रिकोण हवन कुंड के पास मेरे सामने है। त्रिकोण हवन कुंड से निकलती हुई आग की रोशनी काफी तेज थी, जिस कारण उस औरत के आसपास की सारी चीजें अंधेरा होने के बावजूद स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वंदना उस औरत को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके अंगूठे का नाखून नहीं था। वंदना उस औरत के पैर के अंगूठे को देखते हुए कहती है, ये औरत यक्षिणी नहीं बल्कि एक सौदाइन है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, क्या? वंदना अपने हाथों से इशारा करते हुए कहती है, उसके पैर का अंगूठा देख अमोदिता। अमोदिता उस औरत के पैर के अंगूठे को देखने लग जाती है और जैसे ही वो कंफर्म होती है कि जो औरत उसके सामने बैठी है वो यक्षिणी नहीं है बल्कि सौदाइन है, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वो डर जो कुछ देर पहले उसके मन में था वो गायब हो जाता है। अमोदिता जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाती है और उस औरत के सामने जाकर गुस्से के साथ कहती है, कौन है तू और मेरे हवन कुंड के साथ क्या कर रही है?
वो औरत को जवाब देती उससे पहले ही अमोदिता की नजर हवन कुंड के सामने पड़े चमगादड़ और तितली के पंख पर पड़ती है जो उस औरत ने वहां रखे हुए थे। उन पंखों को देखते हुए अमोदिता मन ही मन सोचती है, ये तो चमगादड़ और तितली के पंख हैं जो उस रात माँ ने त्रिकोण हवन कुंड में से मुझसे निकलवाए थे। इसका मतलब ये औरत। अमोदिता उस औरत की तरफ देखते हुए शॉक्ड होते हुए कहती है, माँ ये तुम हो? वो औरत अपने चेहरे के सामने के बाल हटाते हुए कहती है, नालायक लड़की तू यहाँ पर क्या कर रही है? अमोदिता के सामने रजनी थी। रजनी ही वंदना पर मारण क्रिया कर रही थी। अमोदिता रजनी से पूछती है, माँ तुम वंदना भाभी पर मारण क्रिया क्यों कर रही हो? रजनी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, मारण क्रिया क्यों की जाती है तुझे पता नहीं है क्या नालायक लड़की? अमोदिता अकड़ते हुए कहती है, आप वंदना भाभी को मारना चाहती हैं, पर क्यों माँ? रजनी गुस्से के साथ कहती है, क्योंकि वो हमारे रास्ते का कांटा बन रही है और मैं नहीं चाहती हमारे रास्ते में कोई कांटा हो। जो भी हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। अमोदिता कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वंदना गुस्से के साथ कहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी रजनी। अच्छा तो वो तू है जो मुझे मारना चाहती है? जैसे ही रजनी वंदना को वहां पर देखती है हक्की बक्की रह जाती है। रजनी अमोदिता की तरफ देखते हुए कहती है, इसे यहाँ पर कौन लेकर आया? तू लेकर आई ना नालायक, तू किसी काम की नहीं है। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो माँ। वंदना बीच में गुस्से के साथ रजनी से बोल पड़ती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इस हद तक गिर सकती है रजनी। तुझसे अच्छी तो यक्षिणी है, कम से कम उस रात उसने मुझे जिंदा तो छोड़ दिया था। रजनी हैरानी के साथ पूछती है, क्या कहा? यक्षिणी ने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। रजनी हैरानी के साथ पूछती है, क्या कहा? यक्षिणी ने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर क्यों? वंदना अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, वो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। रजनी ने अपने एक हाथ में वंदना की पुतली पकड़कर रखी हुई थी। उसने अपने दूसरे हाथ से वंदना की पुतली की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या कहा? नहीं बताएगी? रुक, अभी मसा चखाती हूँ तुझे, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं बताती है। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, आ मेरी गर्दन। वंदना को तड़पते हुए देखकर रजनी खुश होने लगती है। रजनी हंसते हुए कहती है, नहीं बताएगी तो मत बता, फिर अब मर। इतना कहकर रजनी और कसकर वंदना की पुतली की गर्दन को मरोड़ने लग जाती है। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, अमोदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, रुक जाओ। रजनी गुस्से के साथ अमोदिता से कहती है, तू अपना मुंह बंद रख नालायक, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अमोदिता एकदम चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी वंदना की तरह ही असहाय थी जिसके हाथ खुले होने के बावजूद बंधे हुए थे। रजनी बड़े प्यार से वंदना की गर्दन को सहलाते हुए कहती है, बोल उस रात को क्यों यक्षिणी ने तुझे जिंदा छोड़ दिया था? बताती है या अलग कर दूं तेरी गर्दन तेरे धड़ से? वंदना दर्द से कराहते हुए रजनी को समझाते हुए कहती है, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती, मेरी बात समझने की कोशिश कर। रजनी पलट कर कहती है, क्यों कुछ नहीं बता सकती? वंदना गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्योंकि मैंने यक्षिणी से बिसाहा किया है। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, ये बिसाहा क्या होता है? वंदना कुछ कहती उससे पहले ही रजनी जवाब देती है, बिसाहा एक प्रकार से सौदे का एक नया रूप है जिसमें दो लोग आपस में वादा करते हैं और यदि वो उस वादे पर कायम नहीं रहते तो बिसाहा के नियम के अनुसार उसकी मौत हो जाती है, जिसने वादा तोड़ा हो यानी बिसाहा तोड़ा हो। रजनी तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यक्षिणी ने वंदना के साथ बिसाहा किया था। रजनी वापस से वंदना से रूबरू होते हुए कहती है, सच बोल, क्या तूने सच में यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था? वंदना गुस्से से कहती है, हाँ मैंने सच में यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था, मैं सौदाइन हूँ, सच्ची सौदाइन, तेरी तरह झूठी नहीं। रजनी वंदना की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या बिसाहा किया था तूने यक्षिणी के साथ? वंदना लंबी लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, मैंने यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था कि मैंने ग्रेवयार्ड कोठी के कमरे में उस रात जो भी देखा था वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसके बदले में उसने मेरी जान बख्श दी। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसा क्या देख लिया था तूने उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में? वंदना ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है,
मैंने कहा ना, मैंने यक्षिणी से बिसाह किया था, मैं कुछ नहीं बता सकती उस बारे में। रजनी वापस से वंदना की पुतली के गर्दन पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, भूल मत, तेरी जान अभी भी मेरे हाथ में है, और अगर तूने मुझे पूरी बात नहीं बताई तो मैं अभी तुझे मार दूंगी। वंदना नर्म लहजे से कहती है, पर रजनी अगर मैंने तुझे पूरी बात बता दी तो बिसाह टूट जाएगा और फिर वो यक्षिणी मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मार देगी मुझे। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, वो यक्षिणी तो तुझे बाद में मारेगी, पर उससे पहले मैं तुझे मार दूंगी। अब तू सोच ले, तुझे किसके हाथों मरना है, मेरे या यक्षिणी के। वंदना के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बड़ी दुविधा में फंस गई थी। वंदना इतनी कमजोर पड़ गई थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो जानती थी जब तक रजनी के हाथ में उसकी पुतली थी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। रजनी गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, बोल जल्दी, उस रात क्या देखा था तूने ग्रेवयार्ड कोठी में। बोलती है या तोड़ दूं गर्दन, आज मैं सारे राज जानकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी तो जानू कि ऐसा क्या हुआ था जिस कारण तुझे पागल बनने का नाटक करना पड़ा। अमोदिता भी जानना चाहती थी कि आखिर 13 साल पहले उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था, इसलिए वो इस बार चुपचाप खड़ी रहती है, बीच में दखल नहीं देती है। रजनी वंदना को घूरते हुए कहती है, जल्दी अपना मुंह खोल वरना। इतना कहकर रजनी चुप हो जाती है। वंदना मन ही मन सोचती है, ये रजनी पागल है, ये उस रात का राज जानने के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे मार भी सकती है। लगता है मुझे इसे सच बताना ही पड़ेगा कि उस रात मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में क्या देखा था। वंदना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, बताती हूँ, सब बताती हूँ। वंदना के इतना कहते ही रजनी वंदना की पुतली पर पकड़ ढीली कर देती है। वंदना गहरी सांस लेते हुए कहती है, जब मुझे पता चला कि मेरे विराट की जान उस यक्षिणी ने ली है तो मैं अपना आपा खो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यक्षिणी को मार कर ही रहूंगी, और मुझे पता था अमावस्या या पूर्णिमा के पहले मुझे यक्षिणी कहाँ पर मिलेगी, इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिला मैं बिना किसी को बताए हवेली से निकल गई ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए। रजनी और अमोदिता को उस रात के बारे में बताते बताते वंदना की आंखों के सामने वही पल गुजरने लग जाता है जब वो विराट की मौत का बदला लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी जा रही थी। आधी रात बीत चुकी थी और वंदना हड़बड़ाहट के साथ काला झाड़ी जंगल पार कर रही थी। वो अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। काला झाड़ी जंगल में चलती हुई तेज तेज हवाएं जब भी घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई आपस में फुसफुसा रहा हो। डर का मंजर काला झाड़ी जंगल में फैले अंधेरे में से कायम था। वंदना बड़े ही साहस के साथ अपने हाथ में एक आम चाकू पकड़े हुए अकेले काला झाड़ी जंगल को पार कर रही थी। वंदना के हाव भाव देखकर पता चलता था कि डर क्या होता है, वो उसे पता ही नहीं हो। उसे डर का पता चलता भी कैसे, जब आप किसी अपने को खो देते हो तो आपके अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है। वंदना के दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि यक्षिणी एक डायन थी और वो इस आम चाकू से नहीं मरने वाली थी, लेकिन उसके अंदर बस यक्षिणी को मारने का जुनून सवार था। वंदना बदले की आग में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहती है, मैं उस यक्षिणी को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी उसे, उसने मेरे विराट को मारा, अब मैं उसे मारूंगी। मुझे पता है वो यक्षिणी इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी में ही होगी, आज मैं उसे उसकी ग्रेवयार्ड कोठी में ही खत्म कर दूंगी उसे। यही सब बड़बड़ाते हुए वंदना लगातार अपने कदम आगे बढ़ाई जा रही थी। बदले की आग वंदना को ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ खींचे ले जा रही थी। कुछ ही देर में काला झाड़ी जंगल के अंधेरे को चीरते हुए वंदना ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी काला झाड़ी जंगल से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त काली शक्तियां ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर मंडरा रही हो। वंदना देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही वो दरवाजे को छूती है उसे एहसास होता है कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। वंदना एकदम आहिस्ते से दरवाजे को धक्का देती है जिससे दरवाजा बिना किसी आवाज के साथ खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वंदना को चमेली के फूलों की महक आने लग जाती है। वंदना मन ही मन सोचती है, ये तो चमेली की महक है। इतना कहकर वंदना ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपना पहला कदम रखती है। कदम रखने के साथ ही चमेली के फूलों की महक बढ़ने लग जाती है। चमेली के फूलों की महक इस कदर आ रही थी कि वंदना के मन में जितना क्रोध और घृणा थी सब एक पल में लुप्त हो गई थी। उस महक में एक नशा सा था, प्यार का नशा, और प्यार आपको सब कुछ भुला देता है। वंदना के साथ भी ठीक कुछ इसी तरह हुआ था। वो भूल गई थी कि वो किस मकसद से ग्रेवयार्ड कोठी आई थी। महक बढ़ने के साथ ही उसके अंदर प्यार का नशा बढ़ने लग जाता है।
और अपने आप उसके हाथ से चाकू छूटकर फर्श पर गिर जाता है। पर वंदना का इस चीज पर ध्यान नहीं जाता है। चमेली के फूलों की महक में वो मदहोश हो गई थी। उसके अंदर की कामवासना जागृत होने लग गई थी। जैसे जैसे महक बढ़ते जा रही थी, उसके अंदर का नशा बढ़ते जा रहा था। वंदना को महसूस होता है कि चमेली के फूलों की खुशबू ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वंदना बिना किसी आवाज के सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाती है। जब वो ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि चमेली की महक रूम नंबर 666 के बगल में जो कमरा था वहां से आ रही थी। ये वही कमरा था जिसमें प्रेजेंट में युग रह रहा है। वंदना रूम नंबर 666 के बगल वाले कमरे के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वंदना बिना दरवाजे को खोले ही गैप में से झांक कर देखने लग जाती है कि कमरे के अंदर क्या चल रहा था। जब वंदना कमरे के अंदर झांकती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। कमरे के अंदर अनुराग बिस्तर पर निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। वो जागा था या सोया ये वंदना को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अनुराग के बदन के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, वो भी पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में। उस औरत के लंबे घने बाल थे जो उसकी नग्न पीठ के नीचे तक जा रहे थे। उस औरत का मुंह दूसरी तरफ था, जिस कारण वंदना को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत का बदन इतना मनमोहक और दिलकश था कि उसने वंदना के अंदर भी कामवासना जगा दी थी। एक पल के लिए तो वंदना का मन भी उस औरत के साथ सोने के लिए हो गया था। बिस्तर पर ही एक नेट की काली साड़ी पड़ी हुई थी। ये वही साड़ी थी जो इस अमावस्या की रात शालिनी ने पहनी थी, जो उसे युग की माँ की अलमारी में से मिली थी। वो औरत अनुराग के सीने पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, मेरी प्यास तुम ही बुझा सकते हो अनुराग, तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है जो किसी में नहीं। आओ आओ अनुराग, मेरी प्यास बुझाओ, मेरी प्यास बुझाओ अनुराग। इतना कहकर वो औरत अनुराग के सीने को चूमने लग जाती है। उस औरत की आवाज सुनकर वंदना इतना तो समझ गई थी कि इस वक्त अनुराग जिस औरत के साथ था वो उसकी पत्नी चित्रा तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी चित्रा काफी महीने पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस वक्त अनुराग किसी पराई स्त्री के साथ था। वो औरत लगातार अनुराग के सीने को चूमते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनुराग के अंदर की कामवासना को बढ़ा रही हो। वो औरत अनुराग के सीने को चूमते हुए गाना गाने लग जाती है, ये तन भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, ये तन भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, तुझे छूने का हक, तुझे छूने का हक सिर्फ मेरा है, लबों से लब लग कर प्यास बुझेगी, आज मेरे अंदर की आग बुझेगी। यही सब कहते हुए वो औरत संभोग करने के लिए तैयार हो जाती है। अनुराग के बदन को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपना पूरा बदन उस औरत के हवाले कर दिया हो। वो जो उसके साथ करना चाहे कर सकती थी। वो औरत अनुराग के साथ संभोग करने लग जाती है। संभोग करने के साथ ही कमरे के अंदर चमेली के फूलों की महक बढ़ने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो महक उस औरत के बदन में से निकल रही हो, वही उस महक का केंद्र बिंदु हो। वो औरत अनुराग के साथ में संभोग करने में पूरी तरह लीन हो चुकी थी और वंदना ये सब देखने में लीन हो चुकी थी। वो औरत अनुराग के बदन पर ऊपर नीचे हो ही रही थी कि तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और वो रुक जाती है। वंदना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये रुक क्यों गई। देखते देखते उस औरत का बदन लाल पड़ने लग जाता है जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। उसके बाल नागिन की तरह हिलते हुए नीली रोशनी में चमकने लग जाते हैं, जिसे देखकर वंदना की आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो समझ जाती है कि उसके सामने कोई आम स्त्री नहीं बल्कि एक मायावी स्त्री थी। उस औरत के बदन में से आग के लपटे निकलने लग गई थी। वो औरत पूरी तरह अपना सिर गोल घुमा लेती है और गुस्से के साथ वंदना की तरफ देखने लग जाती है। जब वंदना गुस्से से भरा उस औरत का चेहरा देखती है तो उसके अंदर की सारी कामवासना गायब हो जाती है। उस औरत की आंखों की पुतली नीले रंग में चमकने लग गई थी। वंदना समझ गई थी कि वो औरत कौन थी। वो हकलाते हुए कहती है, ये तो यक्षिणी है, अनुराग के साथ यक्षिणी संभोग कर रही थी, वो यामिनी की तरह दिखती थी। यक्षिणी वंदना को गुस्से के साथ घूरे जा रही थी। कुछ देर पहले कमरे के अंदर जो चमेली के फूलों की महक आ रही थी वो गायब हो चुकी थी और अब वो महक सड़ी हुई लाश की गंध में तब्दील हो चुकी थी, जिस कारण वंदना पर का सम्मोहन खत्म हो गया था और उस पर वापस से यक्षिणी को मारने का जुनून सवार हो गया था। वंदना अपने हाथ में चाकू टटोलने लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि चाकू तो वो पहले ही ग्रेवयार्ड खोटी की दहलीज पर गिरा चुकी थी।
चाकू लेने के लिए वंदना तुरंत वहां से भागने लग जाती है। हड़बड़ाहट के कारण उसका पैर फिसल जाता है, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है और खड़े होकर वापस से दरवाजे के पास जाने लग जाती है। उसे दरवाजे पर गिरा चाकू दिखाई देने लग जाता है। वो अभी दरवाजे के पास चाकू उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि तभी चाकू उठाने से पहले वहां पर यक्षिणी पहुंच जाती है। यक्षिणी ने वही काले नेट की साड़ी पहनी हुई थी जो कुछ देर पहले बेड पर रखी हुई थी। अब उसके बाल खुले हुए नहीं थे बल्कि बंधे हुए थे, जिसकी उसने चोटी बनाई हुई थी। सीढ़ियों से गिरने के कारण वंदना के सिर से खून निकलने लग गया था। यक्षिणी अपनी जीभ लंबी करके बाहर निकलती है और उससे वंदना के खून को चाटते हुए कहती है, कल तेरे पति का खून पिया था, आज तेरा खून पीऊंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी अपनी जीभ लंबी करके बाहर निकालती है और उससे वंदना के खून को चाटते हुए कहती है, कल तेरे पति का खून पिया था, आज तेरा खून पीऊंगी। यक्षिणी की खौफनाक हंसी ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। पहले तो वंदना यक्षिणी की खौफनाक हंसी सुनकर डर जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर जैसे ही उसे याद आता है कि ये वही यक्षिणी है जिसने उसके पति विराट की जान ली थी, तो वो यक्षिणी को गुस्से से घूरने लग जाती है। उसके अंदर का सारा डर गायब हो जाता है और उसे मारने का जुनून फिर से सवार हो जाता है। वो फुर्ती के साथ फर्श पर पड़ा चाकू उठाती है और यक्षिणी के पेट में घोंप देती है। यक्षिणी के पेट से खून निकलने लग जाता है। यक्षिणी एकटक नजर से वंदना को देखते रहती है लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं देती है। वंदना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यक्षिणी दर्द से कराह क्यों नहीं रही? मैंने तो इसके पेट में चाकू तक मार दिया, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। वंदना ने अभी भी चाकू को हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था। यक्षिणी वंदना के हाथ को पकड़ती है और उसी का हाथ लेकर अपने पेट से चाकू बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही चाकू बाहर निकलता है वो खून जो यक्षिणी के पेट से बाहर निकला था वो सूख जाता है। वो जख्म अपने आप भरने लग जाता है। कुछ ही देर में वो इस तरह दिखने लग जाता है कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वहां पर पहले कोई जख्म भी था। ये सब देखकर वंदना की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यक्षिणी हंसते हुए कहती है, तू मुझे मारेगी यक्षिणी को? मैं इस मामूली खंजर से मरने वाली नहीं, और कभी मर भी गई तो मेरा अभिशाप मुझे कभी मरने नहीं देगा। मेरा अभिशाप मेरे लिए वरदान है। विराट की मौत ने वंदना के अंदर का सारा डर खत्म कर दिया था। वो अभी भी यक्षिणी को गुस्से से घूरे जा रही थी। यक्षिणी ये देखकर हैरान हो गई थी कि आखिर वंदना उससे डर क्यों नहीं रही। यक्षिणी वंदना की आंखों में देखते हुए कहती है, तेरी आंखों में मुझे खौफ नजर क्यों नहीं आ रहा? डर मुझसे डर? वंदना बदले की आग में कहती है, मैं तुझसे नहीं डरती। तुझे मारना है ना मुझे, तो मार दे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, मैं तुझसे नहीं डरती। यक्षिणी मुंह बनाते हुए कहती है, पति मर गया पर घमंड अभी तक नहीं टूटा तेरा। वंदना अकड़ते हुए कहती है, और वो घमंड कभी टूटेगा भी नहीं। आखिर मेरे पति प्यार करते थे मुझसे और प्यार का घमंड कभी नहीं टूटता। यक्षिणी हंसते हुए कहती है, हाँ सही कहा, तेरा पति बहुत प्यार करता था तुझसे, मुझे पता है। कल रात वो तुझे रात भर जगाने वाला था ना, पर पता है कल रात वो किसे रात भर जगा रहा था? वंदना चुप खड़ी रहती है। यक्षिणी अपने आप पर इतराते हुए कहती है, मुझे? यक्षिणी को? कल रात भर बड़े मजे किए उसने मेरे साथ, बहुत रंगरलियां मनाई, रात भर मेरे साथ जागता रहा, पर तेरा पति बहुत कमजोर निकला, जल्दी थक गया, मुझे खुशी नहीं कर पाया। यक्षिणी डरावनी आवाज में कहती है, जब वो मुझे खुश नहीं कर पाया तो मैंने अपने ही हाथों से उसका दिल निकाल कर मार दिया उसे। यक्षिणी की बातें सुनकर वंदना गुस्से से भर जाती है। वंदना अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, मुझे मेरे पति पर पूरा विश्वास है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, वो सब तेरी जादुई शक्ति के कारण हुआ है, तूने उसी का उपयोग करके मेरे पति को अपने वश में किया होगा।
बड़ा नाज है ना तुझे अपनी शक्तियों पर, लेकिन देखना एक दिन तुझसे तेरी सारी शक्तियां छिन जाएगी और तू भी मेरी तरह निर्बल और असहाय बन जाएगी। और ये एक विधवा की हाय है तुझे। यक्षिणी चुपचाप खड़ी रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। वंदना यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहती है, अब खड़ी क्या है, मार दे मुझे। तू मुझे मारने वाली थी ना, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रही है? मार, मार मुझे और दे दे इस संसार से मुक्ति। वंदना के माथे पर अभी भी खून लगा हुआ था। यक्षिणी गुस्से से अपनी जुबान बाहर निकालती है और वंदना के माथे पर लगा खून चाटते हुए कहती है, आह सौदाइन का खून, तो तेरे अंदर सौदाइन का खून है, पर लगता है तू अभी तक सौदाइन नहीं बनी। वंदना चुप खड़ी रहती है। यक्षिणी कुछ सोचते हुए कहती है, यक्षिणी अभी तुझे नहीं मारेगी, यक्षिणी तुझे तब मारेगी जब तू सौदाइन बन जाएगी और तेरे पास सौदाइनों की शक्ति होगी। यक्षिणी निहत्थी औरतों पर वार नहीं करती है। मुकाबला करना चाहती है ना तू मुझसे, तो मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। बोल, बनेगी सौदाइन? वंदना गुस्से के साथ कहती है, तुझे मारने के लिए मैं सौदाइन क्या डायन भी बनने के लिए तैयार हूँ। यक्षिणी हंसते हुए कहती है, अच्छा लगा तेरा ये विश्वास, पर मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। जाने से पहले तुझे मेरे साथ बिसाहा करना पड़ेगा। वंदना हैरानी के साथ कहती है, बिसाहा? कैसा बिसाहा? यक्षिणी वंदना से कहती है, बिसाहा यानी वादा। तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तू किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि यक्षिणी ने अपने शिकार को बिना मारे जाने दिया। आज तक जिस भी शिकार ने मुझे देखा है मैंने सबको मार दिया है, सिर्फ तुझे छोड़ रही हूँ। वंदना पूछती है, और मुझ पर यह मेहरबानी करने की वजह? यक्षिणी तुरंत कहती है, कहा ना मैं निहत्थी औरतों पर वार नहीं करती हूँ। जिंदगी में सबको दूसरा मौका मिलता है और मैं भी तुझे वही दूसरा मौका दे रही हूँ, और कुछ नहीं, समझी? वंदना चुप खड़ी रहती है। यक्षिणी पूछती है, बोल करेगी बिसाहा? वंदना हामी भरते हुए कहती है, हाँ करूंगी। यक्षिणी आगे कहती है, क्या तू अपनी मर्जी से अपने शरीर और आत्मा दोनों से मेरे साथ बिसाहा करने के लिए तैयार है? वंदना तुरंत कहती है, हाँ मैं अपनी मर्जी से तैयार हूँ। जैसे ही वंदना दूसरी बार हामी भरती है, यक्षिणी वंदना के सिर पर का एक बाल तोड़ लेती है। यक्षिणी अपने सिर का भी एक बाल तोड़ लेती है। जैसे ही यक्षिणी का बाल टूटता है वो नीले रंग में चमकने लग जाता है। यक्षिणी अपने और वंदना दोनों के बालों के बीच तीन गठान बांध देती है। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र बड़बड़ाते हुए कहती है, ओम भग भाग दायिनी देव दव दत्ती बिसाहा कुरु कुरु स्वाहा। जैसे ही मंत्र खत्म होता है यक्षिणी अपनी आंखें खोल लेती है। वो तीन गठान जो यक्षिणी ने अपने और वंदना के बाल के बीच में बांधी थी वो गायब हो गई थी। वो दोनों बाल एक हो गए थे, पर यक्षिणी का बाल अभी तक नीले रंग में चमक रहा था और वंदना का काले रंग में। यक्षिणी अपने बाल का सिरा पकड़ती है और वंदना के सिर के दूसरे बाल के साथ बांधते हुए कहती है, ओम भग भाग दायिनी देव दव दत्तीम बिसाहा कुरु। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि ऊपर वाले कमरे से कांच के गिलास फर्श पर नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। यक्षिणी मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। वंदना कहती है, क्या हुआ, तो रुक क्यों गई यक्षिणी? यक्षिणी सीढ़ियों के ऊपर देखते रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। मंत्र पढ़ते हुए यक्षिणी ने फिर से वंदना के बाल में गठान बांध दी थी। यक्षिणी कुछ सोच ही रही थी कि तभी फिर कुछ चीज नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। यक्षिणी उस बाल को वहीं पर छोड़ती है और हड़बड़ाहट के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाती है। यक्षिणी के ऊपर जाने के बाद वंदना कुछ देर तक यक्षिणी के नीचे आने का इंतजार करती रहती है, पर वो नीचे नहीं आती है। वंदना खुद से कहती है, लगता है बिसाहा पूरा हो गया और वो चली गई, और अब मैं यहाँ पर तभी वापस आऊंगी जब मैं सौदाइन बनूंगी यक्षिणी को मारने के लिए। इतना कहकर वंदना ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर अपने कदम रखने लग जाती है। वंदना जैसे ही ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर अपना कदम रखती है वो अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो रजनी और अमोदिता के साथ त्रिकोण हवन कुंड के पास थी। वंदना अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, बस फिर उस रात से मैंने ठान लिया कि मुझे सौदाइन बनना है यक्षिणी को मारने के लिए। मैंने जानबूझकर पागल बनने का नाटक किया ताकि ज्यादा से ज्यादा अकेले वक्त बिता पाऊं अकेले कमरे में। उसी कमरे में मैंने साधनाएं करी और सौदाइन बनने की सिद्धि हासिल की। आज मैं इस काबिल बन गई हूँ कि यक्षिणी को मार सकती हूँ। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, तू क्या यक्षिणी को मारेगी, तू तो खुद मर रही है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था वंदना भाभी, बिसाहा नहीं तोड़ना चाहिए था। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, और अब बिसाहा टूटते ही तेरी मौत हो जाएगी। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। वंदना चुप बैठी रहती है। अचानक से मंजर में खामोशी छा जाती है।
रजनी और अमोदिता एकटक नजर से वंदना को देखने लग जाती हैं। उन्हें लगने लग गया था कि अब कुछ ही देर में वंदना अपना दम तोड़ देगी, पर 15 मिनट हो गए थे, वंदना को कुछ नहीं हुआ था। वंदना खुश होते हुए खुद से कहती है, ये क्या, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रजनी मन ही मन सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है। बिसाहा के मुताबिक तो जिस वक्त बिसाहा टूटता है उसी वक्त बिसाहा तोड़ने वाले की मौत हो जाती है। फिर अभी तक वंदना को कुछ क्यों नहीं हुआ, इसे तो कब का मर जाना चाहिए था। अपने आप को जीवित देखकर वंदना खुश होने लग जाती है और वंदना के साथ ही अमोदिता भी खुश होने लग जाती है। अमोदिता वंदना को खुशी से गले लगा लेती है। रजनी से वंदना की ये खुशी देखी नहीं जाती और वो फिर से वंदना की पुतली को कसकर पकड़ते हुए कहती है, अगर तू बिसाहा तोड़ने से नहीं मरी तो मेरे हाथों से मरेगी, लेकिन आज तू मर कर रहेगी। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, आह। अमोदिता वंदना से कहती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ, ऐसा मत करो, वंदना भाभी मर जाएंगी ऐसे तो। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, वही तो चाहती हूँ मैं कि ये मर जाए और हमें इससे छुटकारा मिले ताकि हम अपने टोने टोटके आसानी से कर पाए। अमोदिता रजनी को गुस्से से भरी अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, माँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैंने कहा छोड़ दीजिए वंदना भाभी को। रजनी पलट कर कहती है, तेरी ये मजाल कि तू अपनी माँ को आंखें दिखाती है, लगता है मुझे तेरी भी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अमोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए कहती है, जब माँ गलत रास्ते पर जा रही हो तो बेटी को उन्हें सही रास्ता दिखाना ही पड़ता है। माँ मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए वंदना भाभी को वरना। रजनी गुस्से से लाल पीली होते हुए कहती है, तू मुझे धमका रही है, अपनी माँ को वरना क्या। अमोदिता एकटक नजर से रजनी की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने कहा छोड़ दीजिए वंदना भाभी को। रजनी और कसकर वंदना की पुतली की गर्दन मरोड़ते हुए कहती है, नहीं छोड़ूंगी, जा कर ले जो करना है। अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, तभी अमोदिता की नजर वंदना के नाखून पर पड़ती है जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अमोदिता झट से वो नाखून उठा लेती है। अमोदिता उस नाखून की नोक रजनी की तरफ करते हुए कहती है, माँ मैं कहती हूँ पुतली को नीचे रखो। रजनी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तू अब अपनी माँ को धमकाएगी, भूल मत मैं तेरी गुरु हूँ और तू मेरी चेली, मैंने अभी तक तुझे नहीं सिखाया कि नाखूनों से वार करने के लिए कौन सा मंत्र होता है। अमोदिता अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, माँ मैं कहती हूँ पुतली नीचे रखो। रजनी गुस्से से कहती है, तू कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लग गई है, सब इस वंदना के कारण, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी इसने तुझे मेरे खिलाफ, आज ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। इतना कहकर रजनी वंदना की पुतली में से उसकी गर्दन को अलग करने लग जाती है। रजनी वंदना की पुतली की गर्दन अलग कर पाती उससे पहले ही अमोदिता मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ती है और उसमें से एक तेज लाल रोशनी निकलती है जो सीधे रजनी के हाथ पर जाकर लगती है और वो दूर जाकर गिर जाती है। रजनी के हाथ से वंदना की पुतली छूट जाती है। रजनी दर्द से कराहते हुए चीखती है, आह। रजनी जमीन पर गिर गई थी और उसके हाथों से खून बहने लग गया था। रजनी दर्द से कराहते हुए अमोदिता से पूछती है, ये कैसे किया तूने। अमोदिता नीचे झुककर वंदना की पुतली उठाते हुए कहती है, सिर्फ यही नहीं माँ, मुझे बहुत कुछ आता है, आपको ट्रेलर दिखाऊं क्या। रजनी की बोलती बंद हो जाती है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमोदिता ने ये सब कैसे कर लिया था। अमोदिता मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ती है और नाखून की नोक वंदना की पुतली की तरफ कर देती है और देखते ही देखते वंदना का दर्द कम होने लग जाता है। वंदना हैरानी के साथ कहती है, ये कैसे किया तूने अमोदिता, ये तो मुझे भी करना नहीं आता। अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती है। अमोदिता रजनी से रूबरू होते हुए कहती है, माँ मैंने कहा था ना आपसे वंदना भाभी को छोड़ दो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी, अब आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रजनी घबराते हुए कहती है, भुगतना पड़ेगा, क्या भुगतना पड़ेगा, ये क्या बोल रही है तू, भूल मत ये सब मैंने तेरे लिए ही किया है। अमोदिता गुस्से के साथ कहती है, माँ ये सब आपने मेरे लिए नहीं अपने लिए किया है ताकि आप सबसे बड़ी स्वादाइन बन पाए। हमारा मकसद युग जी की मुझसे शादी कराना था, ना कि किसी को मारना। आज आप वंदना भाभी को मारने वाली थी और उसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। रजनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं अमोदिता नहीं। रजनी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अपना नाखून घर पर रखकर आई थी, उसे नहीं पता था कि ऐसी कोई नौबत आएगी। अमोदिता नाखून की नोक रजनी की तरफ करते हुए रोते हुए कहती है, माँ मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर करना पड़ रहा है, पहली बार एक बेटी अपनी माँ को मारेगी। रजनी ना में अपना सिर हिलाते हुए चीखती है, नहीं नहीं अमोदिता। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है,
यक्षिणी तेरा ख्वाब है।